देखो आप कितने 18,000 ऋषियों का दर्शन आज मेरा भाग्य देख लिया। तो उन्होंने संतों को प्रश्न करते ही आप कृपा करके ये बताए, आज हो कल हो परसों हो नहीं तो बरसों हो, सबको एक दिन मरना ही है। लेकिन जी का परम कर्तव्य क्या है? लेकिन नासो उपनिषद मतम न है, वहां पर ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाश में श्री गणेश जी की पूजा करो, किसने कहा उसका मैया क्या नहीं चली गई, किसने कहा उसको पिताजी क्या कहाँ चले गए। अभी शास्त्रार्थ में लग गए ऋषि मुनि लोग। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं का बरसा जब कृषि सुखाए, मेरे पास में कुल केवल 7 दिन है। लेकिन ये ऋषि लोग तो आपको साहस में शास्त्रार्थ करने लग गए। इतने में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागति हो गई। ठाकुर जी कृपा करके श्री सुखदेव गोस्वामी को भेज देते हैं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। कभी सुखदेव गोस्वामी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कृष्ण प्रेम में कभी नृत्य कर रहे हैं। साधारण लोग तो सोच रहे थे भाई पागल है, बच्चे तो धूल झोंक रहे थे, स्त्रियां तो देख देख करके बाबरी बन रही थी। बोले कितने सुंदर बच्चा लगता है, ये पागल हो गया है। ऐसे करते करते जब श्री ऋषियों को बीच में प्रवेश किया, सारे ऋषि लोगों को बड़ा स्वागत किया, बच्चों को पता चला भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन वहां पर उनके गुरु जी बैठे हुए थे, उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने सिंहासन में बैठ गए। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य ब्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताएं, जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद उसका हृदय इतना तृप्त हो जाए, उसको लगे इससे और बड़ा वस्तु जगत में कुछ नहीं। लेकिन इसी दुनिया में देखो, भले ही जितने पैसा गाड़ी बाड़ी दुकान मकान हो जाए, किसको पूछ लो क्या तुम तृप्त हो गए। बोले कमाई करो, कमाई मतलब कमाई और ज्यादा आनी चाहिए। अंबानी को पूछ लो तुम तृप्त हो गए हो, बोलेगा नहीं पृथ्वी का सबसे नंबर वन पैसा वाला नहीं बननी चाहिए। इसलिए राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख भिखारी। इसलिए वही व्यक्ति केवल तृप्त हो जाते हैं जिसको भगवान की भक्ति मिल जाए। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन लब्धात चापरम लाभम मन्नते अधिकम तत्। जब भगवान की भक्ति हृदय में मिल जाए उसका हृदय तृप्त हो जाते हैं, उनको लगता है दुनिया में इससे बड़ा चीज उस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब उन्होंने ये प्रश्न की, ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बरियान सते प्रश्न कृतलोक हृतम नृपम। बोले हे परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी इसकी सराहना करेंगे। तो उन्होंने उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं। बोले देखो ये जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं। बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े
भाग मानस तन ग्रंथन भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भारत में हिंदू घर में जन्म लेना बड़ा भाग्य से ये जीवन मिलता है, लेकिन अगर ये जीवन को पा करके ये जीवन किया बोले साधन धाम, बोले साधन धाम मतलब बोले इस 84 लाख जन्म में ठाकुर जी केवल एक ही जीवन दिया है जिस जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ठाकुर जी के नाम जप कर सकते हैं। इसलिए बोले ये मानव शरीर नहीं, ये साधन का एक धाम है। लेकिन ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश नहीं किया, परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, गोस्वामी जी कहते भैया बाद में सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ठाकुर तेरे को ये मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए जीवन रहते रहते क्या करो, भगवान की भक्ति कर लो। एक बार हाथ उठाकर सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कोई चिंता तुम मत करो, क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था खट्वांग राजा, इन्होंने एक मुहूर्त में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया, और तेरे पास में 7 दिन है, जब ये पता चले जाए मृत्यु पास में आ गई पहले ये माया की संसार छोड़ दो, छोड़ करके किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, जा करके संतों का संग करते हुए बोले जितासान जितो श्वास, पहले ये कोशिश करो एक जगह पर बैठ करके ज्यादा समय बैठने के, क्योंकि जब तक बैठ एक जगह पर बैठने का आदत नहीं डालोगे ये मन भटकते रहेगा, फिर तो भजन नहीं होगा। फिर क्या करो, जित संग असत संग से दूर रहो, क्योंकि भजन में मेन है जैसे संग करोगे वैसे रंग बदलेगा, अगर उल्टा पुल्टा लोगों का संग करोगे उल्टा पुल्टा बनोगे, संतों का संग करोगे संत बनोगे। इसलिए संग का बड़ा महत्व बताया। देखो एक समय कोई एक बहेलिया एक घोंसले से दो तोते को पकड़ा, एक तोता तो कोई साधु खरीदी करके ले गया, एक तोता को गुंडा लोग डाकू लोग खरीदी करके ले गए। एक राजा जंगल में भ्रमण करने गया था, उसको बड़ी जोर से प्यास लगा, पानी ढूंढते ढूंढते एक तोते को देखा पिंजरा में लटका हुआ, वहां जाते ही वो तोता तो गाली गलौज करने लग गया, बोले पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो मारो मारो छीनो छीनो। राजा बोले भैया ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसी घर में डाकू लोग रह रहे थे, वो यही काम करते थे छीनो पकड़ो मारो, और उसका संघर्ष वो ऐसे बन गया। अभी उसने तो वहां से भगा तो दूसरे जगह पर देखा एक तोता वहां भी पिंजरा में लटका हुआ, वहां जाते ही बोले राम राम राधे राधे हरे कृष्णा आपको स्वागत है, आइए बैठिए ठंडा पानी पीजिए। बोले भैया तोता इतने मीठी बोलता है,
देखा सचमुच से घर से एक संत निकले, हाँ एक साधु निकले, और तोता का जैसे व्यवहार उससे कई गुण बढ़िया व्यवहार है। तब दोनों तोते को पूछे, भैया तुम्हारी तो एक घोंसले से तुम दोनों पकड़े गए हो, तुम्हारी ये स्वभाव ऐसे कैसे हो गई? बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं, ये संग दोष है, हमने जैसे संग में रहा वैसे सीख गया। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते परिखीर बिनो सत संग विवेक न हो राम कृपा दीन सोल धन सोपी। इसलिए पहले हमें सत्संग हमें प्राप्त होनी चाहिए। बोले भैया भगवान ये मानव शरीर दिया क्यों? बोले भक्ति करने के लिए दिया। बोले ठाकुर जी ये दो हाथ क्यों दिए? बोले उनकी चरण की सेवा करो। अगर ये दोनों हाथ पा करके ठाकुर की सेवा नहीं किए तो बोले ये हाथ नहीं। बोले सब करोगा कुरु तो सब पर जा हरे लसत कांचन पर करूंगा। कभी यहाँ से यहाँ तक तो सोने की हमने कंगन पहन रखे, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं। कहते भैया ये हाथ नहीं, ये मरा हुआ हाथ है। इन्हीं हाथों से पूर्वजों को पिंड दोगे ना, वो पूर्वजों पिंड ग्रहण नहीं करें। बोले भगवान ये दो आंख क्यों दिए? बोले उनको दर्शन करने के लिए। अगर उनको दर्शन नहीं करके सारा दुनिया की उल्टा उल्टा चीज को देखते रहे। बोले ये आंख नहीं, ये पंख है, मोर पंख में भी सुंदर आंख बना हुआ होता है। बोले ठाकुर जी ये दो कान क्यों दिए? बोले उनकी कथा सुनने के लिए। अगर कानों में कथा नहीं सुने तो बोले ये कान नहीं, वो दो बील है जिसमें ये काल रूपी सर्प निवास करते हैं। बोले ठाकुर जी ये जीवा क्यों दिए? बोले उनकी नाम करने के लिए। अगर उनके नाम जप नहीं किया दुनिया की बात को बड़बड़ाते रहे। बोले ये जीवा नहीं, जैसे मेढक देखना बरसात का समय पर मेढक टटर 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 करता है और सर्प उसका काल वो देखता है। अपना आहार हमें ढूंढने का जरूरत नहीं, आहार मुझे ही ढूंढ रहा है, और ये सर्प आकर के उसको झट पकड़ करके निगल लेता है। बोले ठाकुर जी ये दो प्यार क्यों दिए? बोले सत्संग में जाने के लिए। गिरिराज परिक्रमा लगाओ, वृंदा देवी की परिक्रमा लगाओ, भगवान की मंदिर की परिक्रमा लगाओ, नहीं तो बोले ध्रुव जन्म भाजो, नहीं तो ठाकुर जी अगली जीवन में पेड़ जन्म दे देंगे। बोले वहीं पर खड़े रहो, तुमने मेरी परिक्रमा लगाई नहीं। इसलिए तभी ये सारी इंद्रियों का सार्थकता जब ये इंद्रियों को हम ठाकुर जी की सेवा में लगाए। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि का क्रम को बता रहे हैं। बोले सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। पहले उनका एक सर था, जब उन्होंने चारी तरफ में देखने इच्छा की उनके चार सर हो गया। बोले भैया मेरी सृष्टि कहाँ से हुई? कमल नार में हजार साल तक तो पता लगाया लेकिन कोई था नहीं पाए। फिर जब ऊपर आए व्यंजन वर्ण का सोलहवा और इक्कीसवा अक्षर सुने त और प। बोले तुम तपस्या कर। जब ब्रह्मा जी तपस्या किए तब भगवान ने बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगच्छ गृहाणम गदितम मय। भगवान ने ब्रह्मा जी को कानों में सर्वप्रथम उन्होंने बंसी ध्वनि को द्वारा उन्होंने गोपाल मंत्र प्रदान की। ब्रह्मा जी उसी मंत्र से ये दुनिया को सृष्टि किए। ब्रह्मा जी फिर उसी मंत्र को नारद जी को दिए। नारद जी फिर व्यास को, व्यास फिर सुखदेव, सुखदेव फिर श्री परीक्षित महाराज को दिए। धीरे धीरे वो ज्ञान भगवान से गुरु परंपरा रूप में ये संसार में ये ज्ञान आया है। इसलिए कहते ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। ब्रह्मा सर्वप्रथम ये चतुसन को मानस पुत्र रूप में सृष्टि की। जब चतुसन को बोले संसार का क्रम बढ़ाओ, बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते प्रभु का भजन करें और मस्त रहे। बोले भगवान का आदेश है सृष्टि क्रम बढ़ाओ, अब तुम कहते हो घर गृहस्थी नहीं करोगे, ठीक है तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम जिस रूप में जन्म हुए ना जिंदगी भर ऐसे ही रहो।
इसलिए चतुर्संग को देखो, छोटे छोटे 5 साल के बालक हैं, नंगे रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते कभी छोटे नहीं होते। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी है तो वरदान है। बोले क्यों? बोले घर का सारे दायित्व किसको ऊपर, बोझ किसको ऊपर, बड़े को ऊपर, छोटों को ऊपर नहीं। छोटे तो मस्ती से खेलते हैं, उनका कोई दुनिया की चिंता नहीं। भगवान का दूसरा जो सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी, उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि किया, फिर उन्होंने 10 संतान को सृष्टि की, फिर अपना शरीर से मनो डाण अंग से और 70 रूपा उन्होंने पाम अंग से उन्होंने सृष्टि की। फिर धीरे 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 सृष्टि का क्रम धीरे 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 ये दुनिया में बढ़ते गए। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से हुए, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। हमें क्या कहलाते हैं? मानव। बोले क्यों? हमने मनु महाराज से हुए। लेकिन अभी का जो साइंस है, इतने हमारे पूर्वज लोग तो बंदर थे। बंदर का खूब करते 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 जब खत्म हो गया तो हम इंसान हो गए। लेकिन हमारे शास्त्र नहीं, हमारे ऋषि मुनि लोग ये नहीं कहते। अगर बंदर से अगर हम हुए नहीं, बड़ो तो किए, एटा में कितने सारे बंदर हैं, बंदर है ना भैया, उसी समय क्यों बंदर से इंसान हुए? अभी तो बहुत सारे बंदर हैं, ये बंदर इंसान क्यों नहीं हुए? एक झुके इंसान बन जाता। इसलिए बंदर से कभी इंसान नहीं होते हैं। हम लोग किससे हुए हैं? भगवान से हुए हैं, ठाकुर जी से हुए हैं। इसलिए बंदर से हम नहीं हुए हैं। आप लोग देखो भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अर्जुन ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, जगत में जितने जीव है सब मेरे अंश है, मेरे बच्चे हैं। कृष्ण ये बात कहते हैं। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। भगवान अपना जैसे उन्होंने जीव को बुलाया। आप कुरान को पढ़ो, ये कुरान में भी बताया अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया है, ऐसे सूरत दिया। इसलिए कहीं नहीं बताया हम सबके सब बंदर से हो गए। प्रश्न है, पर ये डार्विन ने फिर ये बात क्यों बताया? डार्विन मरने से पहले कहता है, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, तुम प्रूव करके ये दिखा दो हम बंदर से हुए, फिर लोग क्या होंगे, सबके सब नास्तिक हो जाए। बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, हम सब वैसे ही चले आए। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए, हम सबके सब ठाकुर जी से हुए हैं। इसलिए देखना हमारा भारत में सभी का गोत्र है, सभी के अलग अलग गोत्र है। एक भी व्यक्ति पूछो किसका शांडिल्य, किसका कश्यप, किसकी वशिष्ठ, सबके सब अलग अलग गोत्र है। ये गोत्र कहाँ से आए? हम जिस ऋषि से हुए हैं उसी ऋषि परंपरा से आए, इसलिए वही ऋषि हमारी गोत्र है। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए ये मन और 70 रूपा हुए, इनसे 5 संतान हुए हैं, 2 बेटे और 3 बेटी। 2 बेटे कौन? एक उत्थान पात और एक प्रिय व्रत। 3 बेटी आकुति देहूति और प्रसूति। यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। कहते माता देहूति को साथ में श्री कर्दम ऋषि की शादी हुई। ये कर्दम ऋषि जब कठोर तपस्या की, जब भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो। बोले ठाकुर जी आपके चरण में भक्ति हो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहिए? बोलो। बोले मेरे मन में तो संसार की कोई इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार बढ़े, लेकिन आपकी इच्छा को हम पूरी करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन 2 शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त? बोले पहला शर्त है, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना, फिर मैं शादी करूंगा। आप मेरे बेटे बनोगे? बोले ठीक है, मैं बेटा बनूंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए, संतान हो गया तो फिर मैं भजन के लिए चले जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। तो उनकी शादी होगी। शादी को बाद में फिर ऋषि भजन में बैठ गए, 10,000 साल भजन में बैठ गए। पति को जो खाना नहीं खा रहे हैं, पति भजन में बैठी हुई। इतने में माता देवती अपना पतिव्रता धर्मों को जागरण करते हुए उनकी पति की सेवा उन्होंने की। जब 10,000 साल के बाद में आँख खुली, माता देवती पहले इतने सुंदरी थी, जिनकी सुंदरता को देख करके देवता लोग भी मुग्ध हो जाते थे।
लेकिन पति की सेवा करते करते सारे केस जटा बढ़ गई और वो एकदम वृद्धा हो गई। कर्दम ऋषि सामने देखा है कि बुढ़िया, वो भूल गए मैंने कभी शादी भी किए। बोले तुम कौन हो? बोले आपको याद है कभी हमने शादी किया था? बोले ओ तुम वही देवती और पति सेवा करते करते वृद्धा हो गई हो। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? भगवान से वर मांगा था ना, अगर आप बेटे बन करके आओगे शादी करोगे तब शादी करोगे, भगवान तो बेटे बने ही नहीं। हाँ देखो माता देवती ये शिक्षा देती हैं, जब पति भजन में बैठे हुए हो, अगर पति अगर भोजन नहीं करते हैं ना, पत्नी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं खुद बनाया पति को खिलाया नहीं, बच्चों को खिलाया नहीं, खुद चट कर दिया। बोले ये अधर्म है, ये पतिव्रता धर्म की नियम नहीं। इसलिए माताओं को पतिव्रता धर्म जाजन करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा दी, अभी पति भजन में बैठे हुए, पति तो श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, वो भी श्रृंगार स्नान नहीं की, इसलिए वो उनकी पूरा केस में जटाजुट हो गया, पूरा का पूरा हैं जटाजुट धारण कर लिया। इसलिए कहते हैं माताएं क्यों श्रृंगार करती हैं, किसके लिए श्रृंगार करती हैं? पति के लिए। इसलिए मैं भी अपना देश में देखा, हमारे घर के जो माताएं हैं ना, वो सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती, शाम को करती हैं। बोले क्यों? बोले पति तो काम में गया, श्रृंगार किसको दिखाएगा? पति काम करते हुए शाम को आएगा, इसलिए माताएं, हमने देखता था शाम को माताएं श्रृंगार करती थी। आप लोग जो सर के ऊपर में जो कपड़ा ढकते हो, हाँ जो जो कपड़े रखते हो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी जो सुंदरता दूसरों के लिए नहीं है। किसके लिए अपना सुंदरता? केवल पति के लिए अपना सुंदरता दिखानी चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए ये जो हमारी जो सभ्यता है, बहुत अच्छी सभ्यता है। इसलिए अभी देखो पति सेवा करने का कितने महत्व है, पति सेवा की ना, पति व्रता धारणा की। बोले जाओ कर्दम ऋषि, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो, और स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी उस सभी और ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, हजार दास दासियों को तरह प्रकट हुई, अद्भुत सुंदरी बन गई। और श्री कर्दम ऋषि पहले जो साइंस है, बहुत अभी की साइंस से बहुत तो एडवांस था, उन्होंने एक विमान बनाया, एरोप्लेन, जिसका नाम कामक विमान। बोले कामक विमान मतलब क्या? बोले जिसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं, जिसमें डीजल की जरूरत नहीं, तुम जैसे चाहोगे ना वो प्लेन वैसे उड़ेगा। बोले भैया कितने बड़ी थी? बोले कितनी जोजन तक थी, जिसमें सुंदर, जिसमें राजमहल, जिसमें सुंदर सरोवर, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, राजहंस जहां पर विहार करते हैं, कोयल कुहू-कुहू कर रहे हैं, जहां पर मयूर केका कर रहे हैं, जितने जुई बेली चमेली सारे फूल जिसमें खिले हुए, और जिसमें कोई ठंडा नहीं, जिसमें गर्मी नहीं, और जिसमें बैठ जाओ ना कोई बूढ़ा और बूढ़ी नहीं बनेगी। अभी ऐसे कोई प्लेन बना सकते हैं? अद्भुत प्लेन है वो, कभी एक्सीडेंट वो प्लेन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगी। वो प्लेन में बैठी करके बड़ी सुंदर आकाश मार्ग में उन्होंने भ्रमण किया, उनको नौठो कन्या बड़ी प्यारी प्यारी सुंदरी नौ उनकी लड़की हुई। कर्दम ऋषि बोले देवती अभी तो तू खुश हो गई होगी, तुमको नौ नौ बेटी हमने दिया है। बोले नहीं ठाकुर तो बेटे बन करके आए नहीं, ये बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएंगी, फिर मेरे पास में कौन रहेगा? फिर माता देहूती कर्दम ऋषि की सेवा की, तो कर्दम ऋषि ने औरत से एक संतान जन्म लिया जिसका नाम था कपिल, भगवान कपिल रूप में आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जब कपिल ऋषि आए, लेकिन नियम है जब घर में बेटियां होना सबसे पहले क्या करनी चाहिए, बेटियों को पहले शादी दो, ये सबसे पहले कर्तव्य है, बेटियों को पहले विदाई दो। आप लोगों ने बेटियों को शादी दिए होंगे, देखना एक बेटी को जब हम शादी देते घर खाली हो जाती है, लेकिन जिसकी घर में नौ नौ बेटियां हो फिर क्या होगा? बताओ नौ नौ बेटियां कितने कठिन शादी देना। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर आपकी मन में भक्ति करने की भावना होना, भजन करने की,
ठाकुर जी सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ठाकुर व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बोले ना, हम भजन करने के लिए जाएंगे, बच्चे हो जाए तो। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटे को साथ में करदम ऋषि के पास में आते हैं। इनके पास में 9 बेटी और उनके पास में 9 बेटे। बोले भैया तो जोड़ी बड़ी प्यारी जोड़ी है, हैं 9 बेटे और 9 बेटी, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। बोले जाओ, 9 बेटी को एक साथ में उन्होंने शादी करा दिया और पूरा घर खाली। अभी घर में 3 व्यक्ति रह गए, पिता माता और बेटा। अभी श्री करदम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं, उनको प्रश्न करते हैं, बोले भैया भजन किसको करने जा रहे हैं? बोले भगवान को। बोले भगवान को तो घर में बैठे हुए, फिर कौन सा भगवान को भजन करने के लिए जा रहे हो? हाँ, ध्यान देकर सुनो, इसमें बड़ी रहस्य बात बताई। बोले जब तक हम साधन नहीं करते हैं तब तक ठाकुर जी हमें मिलेंगे नहीं, इसलिए हमें साधन करनी चाहिए। अगर बगैर साधन के, बगैर प्रेम के अगर भगवान हमें मिल भी जाए, हमारी कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे रावण है, रावण का नाम सुने कि नहीं आप लोग? कौन कौन सुने हो रावण का नाम? सब जानते हैं। रावण को राम भी मिले, राम को दर्शन किया था कि नहीं? लक्ष्मण को दर्शन किया था कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया, माता सीता को ही खुद उठा कर ले गया। और भगवान को साथ में उसने युद्ध किया, राम लक्ष्मण को नाग भास बंधन में भगनाग उनको बांध दिए, और लक्ष्मण को ऊपर उन्होंने लक्ष्मण को ऊपर में उन्होंने शक्ति शैल की प्रहार की। कंस ने कृष्ण को भी देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिंदगी भर तो कृष्ण को साथ में लड़ाई मारने के लिए कोशिश किया। शिशुपाल भी कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण सामने खड़े हुए, गाली को ऊपर गाली को ऊपर गाली, 101 गाली निकाला भगवान। कहते भैया भगवान को दर्शन करने से अगर कल्याण होता, भैया इसमें तो इन लोगों ने कृष्ण दर्शन किया, ठाकुर को दर्शन किया, कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ क्यों नहीं हुआ, कारण ही इनकी हृदय में भक्ति नहीं। भक्ति के बगैर भगवान भी मिले हमारे लाभ नहीं होगी, हैं? इसलिए पहले क्या, भक्ति करो। हमारी लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारी लक्ष्य है भगवान प्रेम, हमारी लक्ष्य प्रेम है। अगर हृदय में प्रेम होगा ना, जैसे गोपियों के हृदय में प्रेम थी, ये गोपियां कृष्ण के पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में आते थे, इसलिए हृदय में हमारी प्रेम होनी चाहिए। लेकिन ये प्रेम होगा कैसे? भगवान ने बोले देखो कलयुग में अगर केवल मेरे नाम को जप करोगे ना, मेरे नाम जप करने पर केवल प्रेम आएगा। एक बार हाथ उठा करके बोले सबके सब, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार बोले सबके सब जोर से, हरे कृष्ण हरे, मैं नहीं आप बोलो जोर से और जोर से, हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते भगवान की नाम अगर जप करोगे ना, अपने आप ठाकुर का प्रति तुम्हारी प्रेम अपने आप हो जाए। इसलिए श्री करदम ऋषि ने घर छोड़ करके भजन के लिए चले गए। घर में केवल 2 व्यक्ति, माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता मेरा बेटा भगवान है, और ज्ञान ऐसे की चीज होती है, ये ज्ञान ऐसे की चीज है, उसने छोटा बड़ा नहीं देखता है। अगर बेटे को पास में ज्ञान होना, माँ स्वयं जा करके बेटे से प्रश्न करती, बोले बेटा तू तो भगवान हो, इसलिए मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल बेटा, हमें ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ जिससे हमारी उद्धार हो जाए। तब भगवान अपना माँ को उपलक्ष्य करके ज्ञान बताते, बोले माँ, बोले मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मत्स्य। बोले माँ ये जो मन है ना, ये सारे इंद्रियों का यही मालिक है, यही मन मुक्ति का कारण, यही मन बंधन का कारण। जब ये मन को विषय में लगाओ बंधन का कारण बन जाएगा, जब ये मन को ठाकुर जी में लगा मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को प्रभु की भजन में लगा दो।
मैया ने कहा, बेटा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन तो एक मिनट में ये दुनिया परिक्रमा करके आ जाता है, बाई को रोक सकते लेकिन मन को नहीं। बोले मैया, ये मन को वशीभूत करने का केवल एक ही उपाय है। बोले क्या है? बोले संतन के संग लागिरे तेरी अजीवने। माँ, अगर केवल संतों का संगत और इससे मन अपने आप वशीभूत हो जाएगा। बोले मई, बोले बेटा तू तो बोल दिया संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। बोले हाँ। बोले संत पहचानना भी तो बड़ा कठिन है, संतों का कुछ हमें लक्षण बता दो। तो भगवान ने अपना माँ को संतों का लक्षण बता दे। बोले इनका जो पहला लक्षण है, बोले तितिक्षव कारुणिक श्रुही सर्वदेहिनाम अजात सत्रव संता साधु भी साधु भूषण। कहते संतों का जो पहला लक्षण है सहन, ये घर में हो नहीं तो संत हो। जब तक ये सहन शक्ति नहीं होगा ना, कहते भैया जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है। समझ रहे कि नहीं? जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है। अगर बात बात में क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा करता हूं, वो घर में थोड़ी शांति सुख होगा, वो मंदिर में भी नहीं, संत जीवन में भी नहीं, गृहस्थ जीवन में भी नहीं, किसी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बोले सबसे पहले भक्ति करने के लिए हमारे अंदर में सहन शक्ति हो। देखो अब एक छोटी सी कहानी सुनाता, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक संत था, उसका रोज नियम था वो कलसी लेकर के यमुना में पानी भरने जाता था, वो पानी लाता था मंदिर में, ठाकुर जी को उसमें अभिषेक होते थे। एक दिन उसने कोई थोड़ी इधर उधर किया, गुरुजी ने थोड़ा डांट लगा दी, डांट लगा दिए तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। बोले हमने घर बार छोड़कर भजने के लिए आया आपकी डांट सुनने के लिए, दिन भर सेवा करता हूँ, थोड़ी सी इधर उधर हो गया तो मेरे को डांट लगा दिया गुरुजी, मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ संतों को छोड़कर। रोज पानी भरने जाता था यमुना में, सोचा आज जब मैं यमुना में पानी भरने जाऊंगा वो कलसी को वहीं रख करके घर में चला जाऊंगा। जब कलसी को रख करके जाने लगा, वो कलसी उसको बुलाया, बोले इधर आ इधर आ। उसने कहा भैया कलसी मेरे को क्यों बुला रहे? बोले क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी हमें डांट लगाया, हम दिन भर सेवा करता हूँ और थोड़ी सी कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो गुरुजी हमें शासन कर दिया, इसलिए घर जा रहा हूँ। देखो ध्यान देकर सुनो, बड़ी अच्छी बात है सुनो। तो कलसी कहता है, बोले जानते हो आज मैं ठाकुर को सेवा में कैसे लगा, मेरी जीवन की कथा तुम सुनो। बोले सुनाओ। बोले पहले जहां पर लोग शौच क्रिया करते थे उसी स्थान का मैं मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहां से मिट्टी को उठा करके लाया और मेरे को एकदम कड़ी धूप में दिया और मैंने कड़ी धूप भी सहन किया। उसको बाद में फिर मैंने मेरे को उसने छोड़ा नहीं, वो डंडे से मार 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 करके मेरे को एकदम मुलायम पाउडर जैसे बनाया, तब भी मेरे को उसने छोड़ा नहीं। फिर पानी दे करके प्यार में रोंद रोंद करके मेरे को भी प्यार में खूब रोंदे, तब भी नहीं छोड़ा। उसको बाद में आप लोग देखे होंगे जब कलसी बनाते हैं ना, घड़ा बनाते हैं, फिर चक्की के ऊपर में चढ़ा देते हैं, उसको ऊपर में भी मेरे को चढ़ाया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे को मार 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 करके कलसी बनाया, फिर हमें धूप में दे दिया, 8-10 दिन तक मेरे को धूप सहन करना पड़ा, तब भी मैं कुछ बोला नहीं, फिर मेरे को छोड़ा नहीं उसने। आप लोग देखे होंगे भाटी में कलसी को कैसे गर्म करते हैं, लाल बनाते, देखे होंगे नहीं, एकदम उसको अंदर में कोयला लकड़ी दे करके ऊपर से पूरा मिट्टी को पोत देते हैं, वहां से थोड़ी सी आग भी जैसे नहीं निकले और उसमें आग लगा देते हैं। 8-10 दिन में धीमे धीमे जलते 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 वो जो मिट्टी का पात्र एकदम लाल हो जाता है। बोले इतने कष्ट मेरे को उसने दिया, तभी उसने मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे को मार्केट में बेचने के लिए ले गया। अब देखना जो लोग कलसी बेचते हैं ना, मिट्टी का कलसी एक डंडा रखते हैं वहां पर, जो आता है कलसी को कान पकड़ कर ऊपर उठाएगा और डंडे से उसको मारेगा, ये फटा हुआ ना सही है, उसको आवाज से पता चलता है ये फटा ना ये सही है।
जो आए कान पकड़े और ऊपर उठाए और मेरे को मारे। ऐसे करते करते किसी सौभाग्य से तुम्हारी गुरुजी आए और तुम्हारी गुरुजी भी मेरे कान पकड़ करके ऊपर उठाए और डंडा मारे और मेरे को देखा बढ़िया है। फिर उसने मेरे को अपना आश्रम में लेकर के आए और मेरे को तुमको दिया रोज तुम यमुना में पानी भरो और लेकर के आओ और जिस पानी में अभिषेक होता है, जिस पानी में अभिषेक होता है। अब देखना जब ठाकुर जी की अभिषेक करते हैं अगुर कर्पूर चंदन है इसको द्वारा ठाकुर को अभिषेक करते हैं और बारंबार पानी डालते हैं उसी हाथ से करते 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 देखना वो जो मिट्टी का कलसी से भी सुगंध निकलती है, कर्पूर अगुर की सेंट निकलती है। वो कलसी ने कहा तुमने देखा कितने कष्ट सहन किया तभी जा करके हम आज ठाकुर जी की सेवा में लग रहा है और गुरु जी तेरे को थोड़ा डांट लगा दिए और तू क्रोध करके घर में जा रहे हो। भैया जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश हो जाए, इसलिए भजन करना तो सबसे पहले हमारे हृदय में सहन शक्ति होनी चाहिए हैं। इसलिए जब तक सहन नहीं करेगा तब तक भक्ति हमारी नहीं होगी। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पिछले बोले मैया संतों का संग करना तो उन्होंने बोले उनको दो तरह का लक्षण है, एक तो उनकी बाहर लक्षण है और उनका एक अंदर लक्षण है। देखो ये चीज को ध्यान देकर सुनो, कहते तो उसमें 26 लक्षण है संतों की, लेकिन जो एक लक्षण है उनकी सबसे बढ़िया लक्षण है, सबसे श्रेष्ठ लक्षण है, और जो 25 लक्षण है वो इनकी बाहर का लक्षण है। बोले भैया इनकी जो सर्वश्रेष्ठ लक्षण क्या है, बोले मई अनन्य भावेना भक्ति पुरवंती जैसिया। कहते उनका अंतर लक्षण है जो मई अनन्य भावेना भक्ति पुरवंती, भक्ति करने के लिए एक निष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ होने से भक्ति नहीं होती, बहुनिष्ठ से भक्ति नहीं होती है। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, ये मीरा की शब्द है। गोपियां क्या कहती हैं, जिस समय उद्धव जी ब्रज में ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए गए, गोपियों को बोले बताओ कृष्ण कहाँ, नहीं वो तो घटघटवासी सर्वत्र है भगवान, जहां भी उनको ध्यान करोगे वही मिलेंगे, उनका बैठ करके ध्यान करो। लेकिन गोपियां क्या कहती है, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध बीस। मन थोड़ी दस बीस है, वो मन तो एक ही है जो कन्या को साथ में गया है। और तो ध्यान की बात कर तो ध्यान कैसे करेंगे मन में ना। हाँ देखो ये चीज को समझो, देखो हमारी भक्ति कैसा बुरा मत मान। सोमवार को हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और बम बम करके पानी चढ़ाएंगे, बोले शंकर जी तन मन धन तेरे चरण, सारी लाज तू बचा तू ही रखा करने। लेकिन जब सोमवार जब मंगलवार आएगा ना शंकर जी के तरफ में देखे भी नहीं, फिर कहां पर जाएंगे हनुमान जी मंदिर में। जो बात हम शंकर जी से कहते फिर वही बात हनुमान जी से बोले, क्या शंकर जी ये बात को नहीं समझते। हनुमान को बोले हनुमान जी तन मन धन तेरे चरण में तू ही लाज को बचा। जब बुधवार आएगा ना हनुमान के तरफ में देखेंगे भी नहीं, सीधा गणेश जी के पास में जाएंगे, बोले गणेश जी तन मन धन तेरे चरण में सारे लाज। ये देवता क्या बेवकूफ है, बोले देखो बड़ा ये तो मेरे को मूर्ख बनाता है, ये तो कल आकर के मेरे को यही बात कह रहा है और फिर यही बात कल फिर दूसरों को कह रहा है फिर तीसरी को। बोले भैया ये तो बड़ा बदमाश है आदमी, नहीं इसको भक्ति नहीं कहते ही, ये ठगबाजी है, इसको भक्ति भक्ति कुछ नहीं कहती, ठगना वाला काम है। इसलिए जो भक्ति है
वो एकनिष्ठ होनी चाहिए, सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, सम्मान करो। जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं, जो हृदय में एक पति को ही हृदय में बैठा कर रखती है, उससे ही पतिव्रता कहते हैं। यहाँ पर भगवान कहते जो भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। देखो एक समय एक मुसलमान एक हिंदू में लड़ाई हो, मुसलमान ने कहा मेरा अल्लाह बड़ा, हिंदू ने कहा मेरा भगवान बड़ा। बोले देखो किसका भगवान बड़ा, चलो एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वहीं से अपना ठाकुर का नाम लेकर कूदेंगे, जो बचेगा उसका ठाकुर जी बड़ा। मुसलमान तो एक अल्लाह को मानता है, बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है तेरे नाम को लेकर कूद रहा हूँ बचाना, वो तो कूद बड़ा उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हिंदू चढ़ा, लेकिन इसका तो कोई निष्ठा ही नहीं, किसी में निष्ठा ही नहीं उसकी। बोले हे गणेश जी आप तो विघ्न को विनाश करने वाले हो, आपका नाम को लेकर के मैं कूद रहा हूँ रक्षा करना। फिर सोचता है भैया उसकी मैया को थोड़ा क्यों नहीं बुला दे। बोले हे माता जी आप मेरे को लाद बचाओ, कर गणेश जी आए थे बचाने के लिए। बोले भैया ये तो पहले मेरे को बुलाया, फिर मेरे को छोड़कर फिर भैया को बुला रहे, गणेश गए। फिर उन्होंने सोचा भैया थोड़ा शंकर जी को क्यों नहीं बुला दे। बोले हे भोले बाबा तेरे नाम को लेकर कूद रहा, एक एक बुलाए और एक एक चलते गए, करते करते कूदा था हाथ प्यारी टूट गया। इसलिए जो भक्ति है यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बत जितना, भक्ति बहुनिष्ठ भक्ति भक्ति नहीं। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, जैसे सीए करता है, वो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है। जो साइंस पढ़ता है वो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है। जो इंजीनियरिंग करता है वो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है, तब से सक्सेसफुल होता है। अगर ये थोड़ा पढ़े वो थोड़ा पढ़े वो थोड़ा पढ़ क्या होगा, सबसे फेल हो जाएगा। इसलिए जो आराध्य जैसे हनुमत लाल जी, हनुमान की भक्ति देखो, हनुमान जी किसकी भक्ति करते थे, राम की, एकनिष्ठ उनकी भक्ति थी। गोपियां किसकी भक्ति करते थे, कन्हैया को करते थे, एकनिष्ठ भक्ति उनकी। मीरा किसकी भक्ति करते थे, कृष्ण को करती थी। अगर देखोगे ना जितने बड़े बड़े साधक हुए हैं वो एकनिष्ठ होकर के एक को भजन किया, बहुनिष्ठ नहीं। बोले भैया ऐसे एक कौन है जो एक को भजन करे सबकी भजन हो जाए, जो एक भजन करे और सबकी भजन हो जाए। कहती जो बांके बिहारी जो कृष्ण है वो ऐसे ही एक देवता है जो इनकी भक्ति करना सबका भक्ति अपने आप हो जाती, क्योंकि उनकी अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, कृष्ण को अंदर में सारा दुनिया कृष्ण को अंदर में। इसलिए ये ब्रह्मांड स्वरूप कृष्ण दिखाए। इसलिए हृदय में कन्हैया को बैठा करो, सबको सम्मान करो, असम्मान किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे एक लड़की घर में शादी होकर के आती है, जेठ को भी सम्मान देती है, देवर को भी देती है, सास को भी देती है, ननंद को, सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठाती है? बोलो हृदय में किसको बैठाओगे? अपना पति। हृदय में और किसी को स्थान नहीं देती। हृदय में अगर कोई इधर उधर लड़ाई झगड़ा हुआ ना वो अपना पति को लेकर अलग हो जाए। इसलिए हृदय में हमें कनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से प्रभुत्व में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। और जोर करके बोलो, बोले हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा माता जी हम परसों सुन रहे थे जब मातृ गर्भ में बच्चा को 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान आता है, वो देखता है कहां नरक में मैं आया हूं, टाटी पेशाब की थली में पड़ा हुआ होता है, भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु ये नरक से जल्दी जल्दी मुझे को निकालो। बोले निकालोगे तो क्या करोगे? बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ जगत में कोई भी सीधा नहीं, सुख का दुनिया है लेकिन कर्म का फल भोग में फंसूंगा नहीं, तेरे भजन करूंगा।
बोले दुख में पड़ करके बोल रहे हो ना, ना जन्म जब लोगे तब करोगे। बोले प्रभु मैं कसम खाता हूँ तेरे भजन करूंगा। लेकिन भगवान ने किया बोले, बोले अगर भजन नहीं करोगे ना बीच बीच में तेरे को वारनिंग दूंगा। बोले क्या वारनिंग दोगे? बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना, समझ रहा है ये मेरे फर्स्ट वारनिंग है, ऊपर जाने का समय हो गया है। लेकिन अगर एक बाल पका हुआ देख तो उखाड़ देते हैं, फिर दूसरा बाल पकता है उसको भी उखाड़ देते हैं, जब खिचड़ी बन जाते हैं ना फिर क्या करते हैं, फिर हम कलर कर देते हैं। फिर कहते दूसरा वारनिंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में फिर दो वारनिंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाए, फिर डंडा लेकर पकड़ना, डंडा लेकर चलना पड़ेगा। भगवान कहते ये एक एक वारनिंग है भगवान जीव को देते रहते हैं, इसलिए समय रहते रहते क्या करनी चाहिए, भगवान की हमें भक्ति कर लेनी चाहिए, ठाकुर जी की भजन कर लेनी चाहिए। भगवान कहते माँ फिर मरने का बाद जीव को, अब देखना मरने का बाद हम 13 दिन बाद में शुद्धि होते हैं। कितना दिन के बाद में शुद्धि होते हो आप लोग? कितना दिन तक? 13 दिन है ना। ठाकुर जी कहते हैं 13 दिन क्यों? देखो ये चीज को ध्यान देकर सुनो, आप लोग मरने का बाद गरुड़ पुराण सुनते हो? कौन कौन गरुड़ पुराण सुनते हो घर में? इसमें सारे चीज वर्णन आती है, ये 13 दिन क्यों लगता को बाद में क्यों सिद्धि क्रिया होती है। कहते जीव को एक बैतरणी नदी पार होना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, ऊपर से कोड़े मार मार कर उसको पार कराते हैं। अब देखना जो व्यक्ति बड़े कष्ट से मरते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं भैया उसको नाम पर गैया दान दे, क्योंकि गोदान देने पर उसका पूछ पकड़ करके वो पार जल्दी जल्दी पार हो जाता है ये नदी को, हाँ जल्दी जल्दी ये नदी पार हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ उसको 13 दिन लगती है। अब ये बैतरणी नदी किसको पार होना पड़ता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की जो भजन नहीं करते हैं। देखो क्या जिसकी गले में तुलसी की कंठी होगी ना, वो कभी ये बैतरणी नदी पार नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और जिसकी गले में तुलसी कंठी तिलक नहीं होगा उसको पार होने में कोई रोक नहीं सकते। तुम्हें पार होना पड़ेगा ही, पार हो गई, इसलिए गले में तुलसी कंठी हो तो जब महाराज स्वयं अपना जमदूतों को कहते, बोले जमदूतों को देखो जो भक्त है ना उनको दूर से प्रणाम करना, उनको नरक नहीं लाना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता है? तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक सधवा स्त्री, हमें कैसे पता चलता है ये सधवा स्त्री, जैसे मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगल सूत्र पहनती है, नाक में बेसर है, ये सब चीज से पता चलता है भैया ये सधवा है, पति है। कि तो उसी तरह जो भगवान को भक्ति करते हैं उनकी शरीर में भी कुछ चिन्ह होता है। बोले क्या चिन्ह होता है? बोले 3 चिन्ह होता है। जब ये श्लोक है बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदये नास्ति गोविंद सनर ब्रह्मराक्षस। बोले गले में तुलसी कंठी होगी, ललाट में तिलक होगी और भगवान के नाम जप करते हैं, उनके अंदर में 3 लक्षण होता है। अगर देखोगे दूर से उनको प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये भगवान की भक्ति करने वाले, भजन करने वाले। उसका दंड मैं नहीं दे सकता हूँ, अगर ये सब करते हुए कोई गलत काम करेंगे तो ठाकुर विचार करेंगे, मैं विचार नहीं कर सकता हूँ, जब स्वयं कहते बात को। इसलिए 13 दिन लग जाता है। भगवान कहते माँ भले किसी जाति में क्यों जन्म नहीं हो, कहते सुपाच अपी महिपाल विष्णु भक्ति दीजा देखो, अगर कोई चंडाल घर में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु का भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ब्राह्मण घर में जन्म लिए लेकिन कोई धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, बोले चंडाल से व्यक्ति गया भी पाए, लेकिन अगर चंडाल घर में जन्म हुए लेकिन प्रभु का भक्ति करते हैं सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग गुह का नाम सुने होंगे रामायण में, गुह भगवान राम जिसका मित्रता की है, सुग्रीव को साथ में मित्रता की है, सबरी को हाथ में ठाकुर जी झूठे बैर खाए, ठाकुर जी झूठे बैर खाए। भगवान कहते माँ भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, अगर भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है जगत में ये भक्ति उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है।
इसलिए माँ भगवान की जीवन में भक्ति करनी चाहिए। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कब कियो ना भजन बा कैसे बीते की। कब कियो ना भजन बा कैसे बीते की। कैसे बीते की हो मन बा कैसे बीते की। कैसे आप लोग ताली बजा करके भजन को गाए। अच्छा आप लोग ये बताएं कि भोजन की शोभा किससे है। भोजन की शोभा किससे है। थाली से। थाली जो। और ये ससुराल की शोभा किससे है। शादी से। ससुराल की जो शोभा है वो शादियों से है। बिना शादी के शोभा नहीं है अपनी। ससुराल की शोभा क्या है। थाली से। और ये कीर्तन की शोभा किससे है। तो आप लोग सब जानते हैं फिर भी नहीं बजा रहे। इसलिए सभी लोग ताली बजा कर जाएंगे। अरे प्रभु निहारो भजन करो 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 नरक से पार। उबायदा तोरे Thank you.
करना है तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि इस नरक से जल्दी से पार करो प्रभु, बोले मैं बाहर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन यहाँ तो सब भूल जाता है, इसलिए पदकर्ता जो है उसको बेईमान बताएगा। वो वायदा भूलो रे बेईमान बा, कैसे बीतेगी। फिर क्या होता है, धूम धाम से प्यार रचाया शहर के श्री रामा, धूम धाम से प्यार रचाया शहर के श्री रामा, अरे दुल्हन लेकर घर पर आया खत्म हुआ सब ड्रामा, अरे दुल्हन लेकर घर पर आया बन गए, ओ बन गए, ओ बन गए सजने के सजा करना कैसे बीतगी, बन गए सजने के सजा करना कैसे बीतगी, ओ मनवा कैसे बीतगी, कैसे टूट जाते हैं और नजरें भी चली जाती है, तो उस समय क्या होता है, खाट पर पड़ा रहता है व्यक्ति। और जब खाट पर पड़ा रहता है बोलते समय इको कर देना, तो खाट पर पड़ा रहता है, तो खाट पे पड़े पड़े क्या करते हैं बुढ़ा,
खुखुर 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 खासा कंठम घुरघुरा देते, उस समय कंठ भी नहीं चलता है, कैसे बोलता है वो एक ग्लास पानी ऐसे बोलते हैं, खाट पर पड़ा रहता है। तो बहुए उस समय ताने मारती है, क्या ताने मारती है, बोले कब ये मरी है ये बूढ़े कब ये वैसे ही चला गया जीवन में, ना कुछ भजन किया, ऐसे ही चला गया। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस, जीवन में कभी एक पैसा सत्संग में नहीं लगाया, जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, कमाया और बैग में रखते जाए, कमाया और बैग में रखते जाए। तो अंतिम समय आ गया उसका, अंतिम समय आ गया तो मर गया बेचारा। अब मरने के बाद उनके घर पे दो बेटे थे, तो बेटे लोग ने सोचा कि पिताजी तो हमको जीवन में कभी कुछ दिया नहीं, तो जलाने में बहुत पैसा लगेगा, लकड़ी खरीदना पड़ेगा, इनको गंगे में बहा दो, गंगा जी में। अब गंगा जी में बहा दिया उनको, और गंगा जी में बहा दिया तो ये सियार जो है 15 दिन से भूखा था, कब 15 दिन तक भोजन नहीं किया, गंगा के किनारे बैठकर आस लगा रहा था कि कोई भोजन आ जाए। हुक्का हुआ करके सियार जो है बोल रहा था। अब हुआ क्या, देखा कुछ देर बाद कि गंगा जी में कोई सब बहते हुए आ रहा है। अब बहते हुए आ रहा है तो सियार के मन में आनंद आया कि चलो ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, देखो भेज दिया भोजन। अब सियार ने क्या किया, गंगा जी में छलांग लगाकर उस सब को किनारे लाया, किनारे ला करके सोचा कहाँ से शुरू करूं, उनके आंख जो है बिल्कुल रसगुल्ले की तरह फूल रहा था, पेट जो है टंकी की तरह फूल रहा था। तो सियाल ने सोचा कि चलो पहले पैर से ही शुरू करूं, जैसे पैर खाने दिया तो उधर आकाशवाणी हो गया, रे सियाल। सियाल बोले हाँ, तो बोले देखो इसका पैर जो है खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों, बोले इस पैरों से कभी मंदिर नहीं गया, इस पैरों से चलकर कभी सत्संग में नहीं गया, इस पैरों से चलकर कभी साधु संत को प्रणाम नहीं किया, इसलिए इसका पैर खाने योग्य नहीं है। सियार ने सोचा अरे पहले ही पक्षपात, तो फिर बोला चलो पैर खराब है तो चलो कोई बात नहीं, मस्तक खाता हूं इसका, और मस्तक खड़े गया तो फिर आकाशवाणी हुई क्या, बोले हे सियार क्यों क्यों क्या हुआ, बोले इसका मस्तक भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों, बोले इस मस्तक पे कभी साधु गुरु वैष्णव चरणों में झुका नहीं है, ये मस्तक कभी मंदिरों में जाके भगवान को प्रणाम नहीं किया, इसलिए इसका मस्तक खाने योग्य नहीं है।
फिर बोले चलो मस्तक मना हो गया तो क्या हुआ, इसका हाथ खाता हूँ। अब जैसे ही हाथ खाने गया फिर आकाशवाणी हुई, बोले हे श्या, बोले क्या हुआ, बोले इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों, बोले इन्हें हाथों में कभी सत्कर्म नहीं किया, साधु गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं की, इसलिए ये हाथ खाने योग्य नहीं है। सियार बोले चलो कोई बात नहीं, पेट खाता हूँ इसका, बिल्कुल टैंक की तरह फूल रहा था। अब पेट खाने गया तो फिर आकाशवाणी, बोले क्यों क्या हुआ, पेट में क्या हुआ, बोले ये तो प्याज नहीं खाता है ठीक है, प्याज खाता है दूसरे का, इसलिए इसका पेट खाने योग्य नहीं है, और अकेला खाता है, कभी किसी को बांट के नहीं खाता है, इसलिए इसका पेट खाने योग्य नहीं है। तो बोले ठीक है, इसका आँख को खाता हूँ, आँख बिल्कुल रसगुल्ले की तरह फूल रहा था। तो जैसे ही आँख खाने गया तो फिर आकाशवाणी हुई, क्यों क्या हुआ, आँख में क्या हुआ, बोले इन आँखों में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए ये आँख खाने योग्य नहीं, इन आँखों से कभी साधु गुरु वैष्णव का दर्शन नहीं किया, इसलिए ये आँख खाने योग्य नहीं है। इसलिए सियार जो है चला गया, तो जैसे ही आया था, देखिए पशु पक्षियों का चमड़ा कुछ काम में आता है मरने के बाद, लेकिन मनुष्य का चमड़ा कोई काम में नहीं आता है, एक मुठ्ठी राख बन जाता है या तो कीड़े पड़ जाते हैं, यही गति होती है, लेकिन कोई काम में नहीं आया। देखिए ऐसे कर्म किया उसका जो है शरीर को भी कुत्ता नहीं खा रहा, तो इसलिए भजन करना चाहिए। एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भजन करना चाहिए, प्रभु की ओटा भजन हवा कहते जोर दे। अभी देखिए थोड़ी देर बाद रसगुल्ले की कथा है, कन्हैया आने वाले हैं, रसगुल्ले में जिधर से खाओ उधर मीठा है, जहां से शुरू करो वही मीठा है, इसलिए बिना राधा के कन्हैया आधा आधा है, इसलिए राधे का नाम लेंगे। सभी लोग एक बार हाथ उठाए, ऊपर उठा कर क्या बोलना है, हाँ प्रेम से बोलेंगे, हे प्यार से बोलो राधे राधे, हे वृंदावन हे वृंदावन में राधे राधे, गले में राधे राधे, हे बासुन में हे ताली बजा के प्रेम से बोलो राधे राधे, ताली बजा के आवाज में आए राधे राधे, प्रेम से बोलो हरे घर घर में हे गले गले में प्रेम से बोलो हे वृंदावन हे वृंदावन में राधे राधे।
के दो पत्नी थी, एक सुनुति और एक सुरुचि। कहते उत्थान पात का मतलब क्या? बोले जिसका प्यार ऊंचा और सर नीचा है। समझो हम भी एक एक उत्थान पात है, क्योंकि जब मातृ गर्भ से हम आते ही हमारा भी प्यार ऊंचा और सर नीचा रहता है। कहते हर व्यक्ति का दो दो पत्नी है, एक सुनुति, सुनुति मतलब जिसकी नीति बहुत बहुत बढ़िया है, और एक सुरुचि, सुरुचि मतलब स्वसरुचि, अपना मनमान ढंग से जो करने वाले। देखना सभी के अंदर में ये दो चीज रहती है, सभी के अंदर में। अगर जीवन में सुनीति को आपके बच्चे किसके हैं, अपना बच्चे को गोद में रखा करो। इसलिए अगर जीवन में सुनीति को अपनाएंगे, फिर भैया बेटा क्या होगा? बोले ध्रुव होगा। बोले ध्रुव मतलब क्या? जो अटल, अचल, सत्य, वास्तव है। अगर स्वस्य रुचि, अपना मनमानी ढंग से चलोगे, शास्त्र, गुरु, वैष्णव, अगर इसको जीवन में नहीं अपनाओगे तो उसका फल क्या होगा, हम आगे देखेंगे कैसे आग में जल भून कर खत्म हो जाता है। इसलिए अभी पहला रानी से शादी हुई, घर में सुनीति आई, उसकी बेटा हुआ ध्रुव। राजा ने फिर दूसरी शादी की, वो सुरुचि आई। सुरुचि आई तो सुरुचि घर में आते ही अपना आईन पास कर लिया। बोले देखो महाराज, अगर ये घर में सुनीति रहेगी तो मैं रह नहीं सकती, पहले मेरे को रखना चाह तो घर से उसको पहले निकाल, नहीं तो तुम्हारी घर में नहीं रहूंगी मैं। पहले सुनुति, पहले जब शादी करो ना, पत्नी कैसी लगती है? कभी ये चंद्रमुख, एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा मेरे पास, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या लगती है? ये सूरजमुखी। फिर कुछ दिन बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती। पहले सुनती थी चंद्रमुखी, अभी पुरानी हो गई ज्वालामुखी हो गई, अभी घर में नई रानी आई है, अभी वो चंद्रमुखी लग रही है। अभी राजा इसकी बात सुन करके उसने घर से सुनती को निकाल दिया। देखना घर में कभी कभी ऐसे होता है, अगर घर में कोई भक्ति करने वाले, तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने वाले, भजन करने वाले हो ना, भले इसको क्या चीज है, हमारे घर में जो भजन भजन नहीं चलेगा, ये भक्ति भक्ति हमारे घर में नहीं चलेगा, हम पार्टी में जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सब माला लेना, भक्ति करना, गीता भागवत पढ़ना, हमारे घर में सब चीज नहीं चलेगी। देखो पहले एक हिरण्यकश्यप था, पहले सत्ययुग में एक हिरण्यकश्यप था, लेकिन अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, भजन भजन से सबके सब प्रतिकूल चलने वाले। इतने में राजा ने सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति के बेटा था उत्तम, एक दिन उत्तम गोद में बैठा था, ध्रुव जी बोले मैं भी थोड़ा गोद में बैठूं। विमाता ने इतनी बुरी तरह से गाली गलौज की, बोले खबरदार, पिताजी का गोद में बैठना चाहते हो, पहले भगवान की भक्ति करके ये शरीर छोड़, फिर मेरे कोख से जन्म लो ना, फिर बैठ सकते हो। वो तो क्षत्रिय का लड़का, वो कहां सहन कर सकता। मैया को पास में रो रो करके, लेकिन मैया तो सुनीति है, वो विद्रोह कर सकती थी लेकिन विद्रोह नहीं की। वो बोल सकती थी तू बड़ा बेटा, राजगद्दी में तेरा हक अधिकार, इसलिए तू विद्रोह कर, लेकिन वो शिक्षा नहीं दी। क्यों? वो सुनीति थी। बोले बेटा मैया तो गाली गलौज की, लेकिन उसने एक अच्छी बात तुम्हें बताई। बोले क्या बताई? बोले भगवान की आराधना कर, ये बात उसने अच्छी बताई। बोले बेटा ये पिता कब तक रहेगा, राज्य कब तक रहेगा, तुम्हें ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो, एक बार बैठो कभी उतरने का जरूरत नहीं, ये पिता तुम्हें जितने स्नेह देगा, करोड़ों गुना ज्यादा स्नेह देगा वो। बोले मैया वो कौन है? बोले ये पद्म पलाश लोचना श्री है। बोले मैया कहाँ मिले? बोले बेटा इनको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ क्षत्रिय का मैं बेटा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे। मैया को परिक्रमा लगाई, मैया की चरण छू कर गई। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, माता जी की जो आशीर्वाद है ना,
जो पिताजी की जो आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज है, इसलिए किसी काम के लिए भी जाओ पिता माता को प्रणाम करके हमें जानी चाहिए, क्योंकि कहते बड़े व्यक्ति का चरण स्पर्श करने से बल आयु धन संपत्ति बढ़ती रहती है। इसलिए उसने माँ को चरण स्पर्श करते हुए मैया को परिक्रमा करते हुए बोले मैया मेरे तुझ आशीर्वाद है, एक दिन तेरे को मैं राजमाता बनाऊंगी और मैं राजा बनूंगा। जब भजन करने के लिए गया इतनी उतावला हो गया प्रभु को पाने के लिए, शेर को देखे उसको भी आलिंगन कर लेता है लेकिन शेर को तो बोलता नहीं, बोले क्यों, बोले इसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं। सर्प को भी देखे उसको भी आलिंगन कर ले, इतने में भगवान वैकुंठ में चंचल हो गए। लक्ष्मी बोली प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो, बोले एक छोटा नन्हा सा बच्चा वो मेरे को पाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ उसको दर्शन दे करके आओ। बोले देखो लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु नहीं दिया है, अभी तक उसकी गुरु नहीं हुए हैं, जब तक जीवन में सदगुरु नहीं अपनाएगा तब तक मैं दर्शन नहीं देता हूँ। बोले प्रभु आप इच्छा करने पर तो सब कुछ हो जाता है। बोले हाँ, इतने में उन्होंने श्री नारद जी को बुलाए, अरे नारद जी को बोले नारद जी जाओ तुम जाकर उसको ठोक पीट कर अच्छे तरह से परीक्षा करो और उसको तुम मंत्र दे करके आओ। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई जो बिरी जी शंकर समोह। एक छोटी सी कथा सुना, बोले एक समय एक संत किसी गृहस्थ घर में कथा कर रहा था। बोले देखो अगर जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है ना वो भव सागर से पार हो जाता है। उसको घर में पिंजरा में एक तोता रहता था, इतने में तोता बोल पड़ा बोले बाबा ये सब झूठ बात क्यों बोलते हो, भगवान का नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाता। बोले झूठ क्या सच है, बोले तू मेरे को देख ले मैं ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई आए सब राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते रहता हूँ लेकिन अभी तक मेरी मुक्ति नहीं हुई। तू कहते हो भगवान का नाम लेने से भव सागर से पार हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो साधु चुप हो गया, वो घर में आया, आकर के अपना गुरुजी को ये बात बताया। गुरुजी ने कहा देख बेटा फिर कल तेरे साथ में मैं चलूंगा फिर तुम कथा करेंगे। फिर आकर के दूसरे दिन एक ही बात बोले, जो ठाकुर का नाम लेते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। फिर तोता बोल पड़ा बोले बाबा फिर क्यों झूठ बोलते हो। इतने में वहां पर गुरु जी खड़े थे, बोले गुरु जी बोले भैया तू तोता ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोले आप मेरे को ही देखो ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, मैं सबको राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक हमें ये पिंजरा से ही मुक्ति नहीं हुई, आप तो बहुत बड़ी बात कहे तो भव सागर से पार हो जाते हैं। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा तुमने तो नाम लिए हो लेकिन किसी सदगुरु से तुमने नाम नहीं लिया, अपने आप नाम कर रहे हो। जब तक किसी सदगुरु से नाम नहीं लेते हो भैया ये नाम तेरे को संसार से पार नहीं करवाएगा। हाँ देखो प्रश्न है भैया भगवान का नाम सदगुरु से क्यों ले, अपने आप क्यों नहीं कर रहे। देखो इसका क्या कारण बताए, बोले ऐसे कुछ पेड़ है जो पेड़ का बीज अगर आप पेड़ से डायरेक्ट लेकर का बोगे ना वो पेड़ नहीं होगा। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा बीज है जिसको डायरेक्ट वृक्ष से लेकर के लगाओगे तो पेड़ नहीं होगा, बता सकते हैं ऐसे कौन सा पेड़ है, बता कौन सा, जोर से बोलो। हाँ ये बरगद पेड़ और पीपल पेड़, आप देखना ये दो पेड़ को नीचे कभी भी आप बरगद का पेड़ पीपल पेड़ नहीं देखोगे। ये पेड़ कहाँ देखोगे, किसी छत के ऊपर में देखोगे नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, लेकिन ये दो पेड़ को नीचे कभी भी आप नहीं देखोगे। बोले ऐसे क्यों, बोले कारण है वो तभी बरगद पेड़ होगा जब वो बीज को कोई चिड़िया खाए, वो चिड़िया को पेट में वो बीज जाए, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, वो रस ऐसे जब बीज युक्त होता है जब फिर वो बीज कर फिर जाकर वो पेड़ होगा। इसलिए देखना एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक मिट्टी वायु और पानी, ये तीन चीज होगा तभी वृक्ष होगा नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन देखना किसी छत को ऊपर में सीमेंट को ऊपर में देखना पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़,
जहाँ पानी नहीं मिट्टी नहीं, देखना इतने जोर जबरदस्ती होता है, कभी कभी ये छत को फाड़ देता है ये पेड़। कोई वहां पानी नहीं, वहां पर कहीं मिट्टी भी नहीं, वहां पर हो जाती है। क्यों? जब चिड़िया को पेट में बीज गई, उसमें इतनी ताकत प्रदान करती है, वो पत्थर गोबर में भी वो वृक्ष हो जाती है। उसी तरह हम डायरेक्ट कथा क्यों पढ़ नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट क्यों प्रभु का नाम नहीं लेते हैं? कारण है, कारण इसका बताया साधु के पास में क्यों ले, कारण है जब वो साधु भगवान का नाम को अपना अंदर में ले जाए, फिर साधन करे, साधन करते करते एक दिन ये भगवत नाम साक्षात भगवत रूप में दर्शन देता है, ठाकुर रूप में वो दर्शन देता है। फिर उनसे जब ये मंत्र को ग्रहण करे, फिर तो जा करके निरस हृदय में भी, पत्थर के ऊपर में भी भक्ति की संचार हो जाती है। इसलिए ये नियम है। इतने में वो साधु ने कहा, देखो तुमने तो नाम जप कर रहे हो, लेकिन किसी शुद्ध साधु से तुमने नहीं लिया, इसलिए ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिलती, बोल आप ही मेरे कान में मंत्र दे दो। पर ये साधु ने वो तोते के कान में मंत्र दे दिया, बोले देख तोता तेरे को एक रास्ता बताता हूँ, इसको अपना नाम। बोले क्या है? बोले जब ये कथा विश्राम हो जाएगी ना, तुम एक बहाना बनाना। बोले क्या? बोले मर गया, जैसे प्राण तुम्हारा छूट गई, फिर तेरे को पिंजरा से निकालेंगे, निकाल करके जब अर्थी को ऊपर में ले जाएंगे ना, फिर तू फर करके उड़ जाएगा। बोले वाह, ये तो बढ़िया मंत्र दिए। जब कथा की विश्राम हो गई, इतने में तोता ने शरीर छोड़ दिया। बोले भैया ये तोता का जीवन धन्य है, देखो कथा सुनते सुनते उसने अपना प्राण त्याग दी, चलो इसकी अर्थी निकालते हैं। अभी उसकी अर्थी निकाले, अर्थी में लेट आकर के गले में सुंदर फूलों की माला पहनाए, और जब ले जा रहे थे ना राम नाम सत्य करते करते, इतने में वो तोता फर कर उड़ गया। वो संत ने पूछा, क्यों तोता? गुरु से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ, गुरु से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती है, इसलिए अभी तक मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही थी। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान स्वयं श्री नारद जी को भेजते हैं। देखो और एक बात सुन लो, और एक बात में बताया, भैया गुरु करे जान के और पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, छान के गुरु जी करनी चाहिए, बोले जहां तहां गुरु जी भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में बताया गुरु करने से पहले तीन चीज को पहले देखो, भगवान गीता में इस श्लोक को कहते हैं, बोले तीन चीज क्या देखेंगे? बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तमं सप्ते परे जनिस्नातं ब्रह्मनिरूपसमाश्रयम्। के तीन चीज क्या? बोले पहला चीज है सारे शास्त्र जाननी चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर ये सारे शास्त्र को नहीं जानते हैं, अगर शिष्य की मन में कोई शंका होगी उसको दूर नहीं कर सकते। पहला नंबर सारे शास्त्र जाननी चाहिए। बोले दूसरा नंबर, बोले ये शास्त्र जानना की सबसे मेन वस्तु नहीं, जो दूसरे जो गुण की सबसे महत्व है। बोले क्या है? बोले केवल दूसरों को उपदेश देते हैं ऐसे नहीं, वो अपना जीवन में उतारते भी नहीं, ना केवल दूसरों को सुनाने के लिए उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अपना जीवन में 24 घंटा ये भक्ति करते भी नहीं। ये चीज को देखो, भजन परायण होनी चाहिए। बोले तीसरी चीज क्या? बोले माया से ऊपर होनी चाहिए, माया से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस घर गृहस्थ में फंसे हुए, अगर गुरु जी भी अपना बीवी बच्चे संसार में फंसे हुए, और जो स्वयं माया में फंसे हुए, तुम्हें क्या उद्धार करेगा? जैसे कुएं में आप भी पड़े हुए, मैं भी पड़ा हुआ हूँ, भैया अगर दोनों ही कुएं में पड़े हुए हो, कौन किसको कुएं से निकालेगा? अगर कोई एक व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ, कुएं को ऊपर में कोई हो, अगर वो रस्सी फेंके हम उसको पकड़ते हैं, फिर वो हमें ऊपर उठा सकता है। अगर स्वयं गुरु जी माया संसार में, बीवी बच्चे हमसे ज्यादा संसार में फंसा हुआ खुद, वो हमें क्या निकलेगा? इसलिए भगवान कहते हैं ये माया से ऊपर होनी चाहिए, सांसारिक वस्तु के प्रति इनकी कोई मोह नहीं होनी चाहिए। ये अगर तीन चीज उसके अंदर में हो, तभी वो गुरु बनने का लायक, नहीं तो गुरु बनने का लायक ही नहीं। इसलिए अभी श्री भगवान श्री नारद जी को स्मरण के, नारद जी आकर के ध्रुव जी को उन्होंने मंत्र प्रदान करते हैं।
बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मंत्र बता रही, बोले बेटा मथुरा पे चले जा, वहां पर यमुना बड़ी सुंदर बह रही है, त्रिसंध्या स्नान करना, वहां पर एक ध्रुव टीला वहीं पर तपस्या करना। अभी उन्होंने पहला महीना में बेर फल खा करके, तीन दिन को बाद में एक बार खाते थे, दूसरे महीना में केवल जो पत्ता खा करके छह दिन बाद में एक बार पत्ता खाते थे, तीसरा महीना में पत्ता छोड़ दिया पानी पी करके नौ दिन बाद में, चौथा महीना में बारह दिन के बाद में एक बार उन्होंने हवा खा करके, पंचवा महीना में हवा भी बंद कर दिया, छठवा महीना में अपना प्राण वायु को उन्होंने खींच ली, प्राण वायु को खींचा तो दुनिया का सारा वायु बंद हो गया, सारा दुनिया में हाहाकार मच गई, देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले त्राही माम प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। ध्रुव जी एक प्यार के ऊपर में खड़े होकर भजन करते थे, जैसे किसी नाव को ऊपर में हाथी प्यार रखे, जैसे हाथी डगबगाने लग जाए, ये पृथ्वी भी उसकी भजन को सहन नहीं कर पाई। भगवान को पास में गई, भगवान बोले कोई चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ दर्शन देने के लिए। भगवान आकर के उसको हृदय में एक बार झलक दर्शन दिए, फिर बाहर निकल गए। उसने झटपट करते हुए आग खोला तो सामने ठाकुर जी को दर्शन की। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का बेटा मेरी स्तुति करो। बोले प्रभु मैं तो स्कूल गया नहीं, पांच साल उम्र में भजन के लिए आया। भगवान उसको कपल पर शंख को स्पर्श कराया, ये शंख ज्ञान का स्वरूप है। फिर तो उन्होंने धड़ाधड़ ठाकुर जी को स्तुति करने लग गए। बोले बेटा मेरे से कुछ बर लो। बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको पारस पत्थर मिल जाए, जगत में इसे कौन सा मूर्ख होगा जो कि कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा। आपका चरण तो देवता ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए प्रभु हमें आपकी भक्ति प्रदान कर। बोले ठीक ही होगा। बोले और कुछ मांगो। बोले प्रभु जी हमें संतों का संगत हो। बोले मैं जब स्वयं दर्शन दिया संत का संगत क्यों मांगते हो। बोले आज जो आप मिले हैं संतों की कृपा से मिले, आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपका संत आपकी कथा सुनाएंगे। अगर आपकी कथा रूपी गंगा में गोता लगाते रहूंगा, ये मन अपने आप आपका चरण में लगी रहेगी, इसलिए प्रभु आपकी संग नहीं चाहिए, मेरे आपका संतों का संग दो, आपकी संतों का संग हमें प्रदान करो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, संत संग मिल जाएगी। बोले और कुछ मांगो। बोले किसी चीज की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा मैं स्वयं तेरे को देता हूँ, जैसे मेरा एक वैकुंठ लोक है तेरे लिए भी एक वैकुंठ लोक बनाऊंगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया तेरे को स्मरण करते रहेंगे, ध्रुव तारु एक नया वैकुंठ बनाऊंगा। इसलिए देखो अभी भी ये ध्रुव तारा आकाश में सबसे ज्यादा जो चमचमाता है ये ध्रुव तारा है। लेकिन ध्रुव कब आए। बोले सत्ययुग में। बोले सत्ययुग कितना साल पहले आपको पता है। सत्ययुग कितना साल पहले, कलियुग का परमावधि, देखो ध्यान देखो सुना, कलियुग का परमावधि 4,32,000 साल, द्वापर युग उसका दो गुना कर लो 8,64,000, तृतीया युग का उसका 3 गुना कर दो कलियुग को, सत्ययुग को कलियुग को 4 गुना कर दो और उसको मिला दो एक महायुग होता है। इसलिए श्री ध्रुव महाराज सत्ययुग में आए थे, करोड़ों साल पहले आए थे, लेकिन अभी भी हम उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं जानते हो। अभी का जो यंग स्टार क्या चाहते हैं, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, हम सब बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। बोले भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में उसको कोई स्मरण कर रहे हैं। श्रीदेवी थी चली गई, कब तक उसका स्मरण करेंगे, दो दिन बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बन करके हीरो बन जाओ। देखना जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी नाम रहेगी। मीरा का नाम कोई भूलेगी, तुलसीदास हनुमान जी का नाम कोई भूलेगी, जो घर घर में जिनकी पूजा
हनुमान बंदर बंदर हैं, लेकिन बंदर को देखो घर घर में पूजा हो रही है। बोले क्यों? उन्होंने राम की भक्त थे, इसलिए भैया आप बड़ा बनना चाहते हो ना, भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री ध्रुव महाराज जब वापस आए, उनको पिताजी उनको सिंहासन में बैठा करके भजन करने के लिए चले गए। अभी ध्रुव जी 36,000 साल तक उन्होंने पृथ्वी के ऊपर राजत्व की। जब 36,000 साल हो गया, वैकुंठ से रथ आया, उनको लेने के लिए रथ आया। ध्रुव महाराज जी जब रथ में बैठने जा रहे थे, काल स्वयं आ गया। बोले ध्रुव, ये जगत में मेरे को स्पर्श किए बगैर संसार से कोई जा नहीं सकते। बोले तू बैठ जा। ध्रुव महाराज जी देखो भजन में कितने शक्ति, देखो ध्रुव महाराज जी शरीर को उन्होंने त्याग नहीं दिए, उन्होंने सौ शरीर में काल के सर को ऊपर प्यार रख करके वैकुंठ विजय कर रहे थे। जब वैकुंठ विजय कर रहे थे, इतने में उनकी मैया की याद आ गई। जब मैया की बात याद आई, बोले मैं मैया को लिए बगैर जाऊंगा नहीं। बोले भैया तो मैया को क्यों याद कर रहे हो? बोले आज जो भगवान हमें मिले, माँ की आशीर्वाद से मिले, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बोले देखो तेरी जो मैया है ना, तो जो आगे जो रथ जा रही है, तेरी मैया वो रथ में बैठ करके जा रही है, तू आगे नहीं जा रहे हो, तुम की पीछे 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 तुम जा रहे हो। एक बार हाथ उठा कर सबके से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो आज आप लोग कथा से एक शिक्षा लेकर के जरूर जाओ, ये शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा। अभी ध्यान देकर जितने माताएं अच्छे तरह से सुनो, अगर हम बेटे को प्रभु की भजन में लगाएंगे, अगर बेटा प्रभु की भक्ति किया ना, बेटा वैकुंठ जाने से पहले उसको माँ पहले वैकुंठ जाए, बेटा पहले नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले पेट में किसने धारण की? माँ ने धारण की। ये प्रसव पीड़ा सहन किसने की? माँ ने। अपना मुंह से खाना निकाल कर खिलाया किसने? माँ ने। स्वयं गिली में सो करके सूखे में सुलाया किसने? बोले माँ ने। इसलिए अगर वो बेटा भजन करेगा ना, सबसे पहले वैकुंठ कौन जाएगा? माँ। बेटा नहीं, कौन जाएगी? माँ पहले जाएगी, अगर बेटे को अगर भजन में लगाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं जिसकी एक बेटा प्रभु की भजन में लग गया, बोले इसका कितना लाभ है। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या निर्दन्ति स्वर्गे पितरि पितरसाम जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। देखो कितने लाभ है, बोले जिस घर में एक बेटा प्रभु का भजन में लग गया, बोले उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाएगा। और जो पिता माता उसको जन्म दिए, बेटा से पहले पिता माता की उधार होगी। और जो पूर्वज लोग पहले चले गए, वो हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू करते थे। हमारे कितने भाग्य, हमारे वंश में एक भक्ति करने वाला जन्म लिया। और वसुंधरा वसतिश्च धन्या, ये पृथ्वी भी धन्य धन्य हो जाती है। देखो मेरे गोद में एक बेटा मेरे गोद में जन्म लिया है, इतना लाभ है। अगर एक वंश में एक बेटा भगवान की भक्ति में लग जाए, हाँ देखो ध्यान देकर सुना, अगर बेटा भजन में नहीं लगा, उल्टा पुल्टा काम करता है, शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले, अगर उल्टा पुल्टा काम करता है ना, कहते उसका जो दुष्परिणाम है ये भी माता को लेना पड़ेगा। जैसे अच्छे फल भी लोगे, अगर वो बेटा गलत काम में लग जाए ना, उसका पाप कर्म भी ये पिता माता को लेना पड़ेगा। देखो ध्यान देकर सुनो माता, एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा,
वो देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म किया था, स्वर्ग में पहुंचा, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ है, अप्सरिया उसको सेवा कर रही थी, चामर भजन कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति स्वर्ग में बैठ बैठ करके रो रहा था। वो जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग आया, यहाँ पर क्यों रो रहे हो? देखो क्या कहता है। बोले मैंने, मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? मैंने तो बच्चों को जन्म दिया, पैसा कमाया, लेकिन ये बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया। मैं जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से मांस खा रहे हैं। चूंकि पैसा कौन छोड़ करके आया था? मैंने छोड़ के आया था, और मेरे पैसा को बच्चे ये गलत काम पर लगा रहे हैं, इसलिए उसका जो दुष्परिणाम मेरे को स्वर्ग में भी, वो दुष्परिणाम नहीं छोड़ रहा है, ये पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी मेरे को कष्ट देता है। अगर हमने बच्चे जन्म दिए, अगर बच्चे गलत काम पर गए, उसका भी पाप हमें भोगना पड़ेगा। बेटा अच्छे करेगा तो फल भोगोगे, बुरा करेगा उसको फल भोगोगे। इसलिए क्या करनी चाहिए? बच्चों को भजन में लगाओ, बच्चों को गलत रास्ता से उनको बचाओ। आप लोगों ने सुमित्रा का नाम सुने हो? कौन कौन सुमित्रा का नाम सुने? हाथ उठा तो आप बताओ तो, ये सुमित्रा कौन थी? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, ये सुमित्रा कौन थी? जोर से बोलो। लक्ष्मण की माँ थी। बोले जिस समय राम और सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण वो आया अपना माँ के पास में। बोले माँ मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया की सेवा के लिए जा। सुमित्रा इतने खुश हो गई। आप लोग हिंदी समझते हो, देखिए प्यार में समझो। बोले पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासु सुतोई। सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण तेरे जैसे बेटे को मैंने जन्म दे करके आज मेरी आनंद नहीं संभाल रही हृदय, क्योंकि उसी स्त्री को बेटा जन्म देना सार्थकता है। अगर बेटा भगवान की भक्ति करे, नहीं तो वो दूसरी लाइन में सुमित्रा कहती है, अगर बच्चों को प्रभु का भजन में तुमने नहीं लगा पाई, फिर भैया माँ को बांझ रहना सही। सुमित्रा कहती है, बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो। बोले क्यों? बोले इतना कष्ट करके बच्चे को जन्म दोगे, पालोगे, लिखा पढ़ा सिखाओगे, अगर बच्चे अगर गलत कर्म में गए फिर नरक भोग, उसके लिए इतना जीवन बिताओ, इतने कष्ट करो इसी जीवन में, फिर बेचा गलत काम किया फिर जाकर नरक भोग। फिर सुमित्रा कहती है, फिर बच्चे क्यों जन्म दो? तभी बच्चे जन्म दो अगर बच्चे को भजन में लगा पाओगे तो। देखो बच्चे तभी भजन करेंगे अगर मैया पिता भजन करेंगे तो, तभी तो बच्चा भजन करेगा ना, नहीं तो बच्चा भजन ही नहीं करेगा, हाँ भजन कर करेगा। इसलिए पहला कर्तव्य है पिता माता को भजन करनी चाहिए। फिर बच्चे को भी बोल सकते, बेटा तू भी एक माला जप कर, तू भी थोड़ा गीता पढ़, तू भी थोड़ा रामायण पढ़। इसलिए आप लोग सब के सब क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करो, बच्चों को भी भजन में लगाओ, देखना वो घर नहीं, वो घर भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ देखो आज भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, लेकिन रेडियो बता रहा था आज 5:30-6 बजे बारिश हो रही है, ऐसे आ रहे थे, इसलिए हम सोचते हैं आज कथा को जल्दी जल्दी विश्राम दे देंगे, अगर बारिश होगी ना तो हम लोग भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे आज भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? कौन सा रंग की? मल्टी कलर पहन करके आए हो। कल श्री किशोरी जी जन्म लेने वाली है, श्री राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल आप लोग गुलाबी रंग के सब साड़ी पहन करके आना। आज तो देखता हूँ सब गुलाबी तो भी पहन कर सकते हैं। बोले गुलाबी रंग क्यों पहनोगे? बोले जो गुलाबी रंग है ये अनुराग का रंग है, जैसे होली खेलते हैं ना, जैसे होली खेलते हैं, वो होली रंग कौन सा है? गुलाल रंग। इसलिए जो गुलाल रंग है राधा रानी के, जो सुंदरी का रंग है गुलाल रंग है, इसलिए राधा रानी अपना को गुलाल रंग नहीं, कृष्ण की अनुराग रूपी रंग में ढक करके रखे। आप देखो हम लोग ये वस्त्र क्यों पहनते हैं?
कारण क्या? बोले कारण ये जो रंग है ये गुलाल रंग है। जैसे राधा रानी कृष्ण को गुलाल फेंकती है, कृष्ण राधा रानी के गुलाल, ये गुलाल क्या? बोले अनुराग है, दोनों दोनों को अपना अनुराग में डुबो देते हैं, इसलिए गुलाल रंग है। पिछले कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन कर गए, ठीक है ना? बोले श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। वामन देव को बनाया कि नहीं? वामन देव बने कि नहीं? कहां गया भैया? वामन देव बने कि नहीं? वामन देव बनाने वाले कौन? किसको बना रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप लोगों का कोई दायित्व तो नहीं है। क्या तुम जाओ ट्रांसलेशन पढ़ो जल्दी जल्दी वामन देव को बना, क्योंकि आज अगर बारिश आ गई है ना सब भाग जाएंगे, इसलिए अब जल्दी जल्दी आज कृष्ण कथा कर लेंगे। हाँ, ठाकुर कथा हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसे जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगी। जब जब फटाफट वामन देव बुलाओ, उसके बाद में फिर नई मैया जसोदा नंद बाबा को बने के लिए जल्दी। हाँ, जब फटाफट वामन देव को लेकर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर जो कथा आती है श्री अजामिल का कथा आती है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये नरक का वर्णना की। जब उन्होंने नरक की कथा सुनी, कैसे जीव जैसे कर्म करता है कर्म के अनुरूप जीव फल भोग करता है, कि जो शराब पीते हैं कहते मरने के बाद उसको मुंह में लोहे को गला करके मुंह में डालते हैं। बोले भगवान तेरे को ये शराब पीने के लिए दिया था ना, ठाकुर का नाम जप करने के लिए दिया। जो मांस मछली खाते हैं उनको जिंदा जिंदा उनको कर्त में काटते हैं, जो उनको तेल में छोंकते हैं उनको भी पकोड़े जैसे गर्म तेल में उनमें छोंक देते हैं, इसलिए जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी मूवी देखते हैं उनका आंख भी निकाल देते हैं। उन्होंने इस सब वर्णना कर रहे थे और इसको सुन करके परीक्षित महाराज तो कांप उठे। उन्होंने बोले भैया इससे मुक्ति मिलने का कोई उपाय है कि नहीं? बोले हाँ उपाय है। बोले क्या है? बोले अगर कोई तुमसे पाप हो गई उसके लिए प्रायश्चित भी बताया, ये पुण्य कर्म करो फिर तुमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा देखो ये जो प्रायश्चित कैसे है, जैसे हमने कोई बुरा कर्म किया लेकिन प्रायश्चित कर दिया, फिर दो बार तो फिर बुरा कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई काम है जो करो हृदय से ये गंदे काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले बताओ ना वो क्या है? बोले केची केवल या भद्या वासुदेव परायणा अपनो धन नकाशनेना निहार इव भास्कर। उदाहरण दिया जैसे सूर्य उदय होने पर जितने कोहरा अपने आप दूर हो जाते हैं, कि तो उसी तरह भगवान के नाम में इतने शक्ति है, ठाकुर का नाम जप कर तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने अजामिल की कथा सुनाई। बोले एक कथा सुन लो। बोले बोलो। बोले कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, सारे सद्गुण संपन्न, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते ही गुरुजन का सम्मान देते ही ब्रह्मचर्य पालना करते ही सारे सद्गुण संपन्न, घर में पत्नी भी बड़ी प्यारी कम उम्र की ब्राह्मणी है। लेकिन एक दिन वो गया था जंगल में यज्ञ के लिए कुछ फल मूल संग्रह करने के लिए। उसने हठात देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी दोनों शराब पी रहे और विवस्त्र होकर के मिल रहे हैं। लेकिन जब उसने एक बार उसको देखा मानो उसके हृदय में फटो मिल गया। जब ये घर में आया, देखो ये जो उल्टा पुल्टा जो पिक्चर आती है ना, उल्टा पुल्टा जो पिक्चर वो गंदी चीज है, वो चीज नहीं दिखनी चाहिए। ये अजामिल जैसे ब्राह्मण इतने सद्गुण संपन्न, उसने एक बार अगर ये गंदी चीज को देखा उसका हृदय दूषित हो गया। अपना पत्नी को उसने त्याग दी और एक वेश्या शूद्राणी को साथ में रहने लग गया।
ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर हम उल्टा पुल्टा फिल्म देखे, गंदी गंदी चीज देखे, अभी दुनिया में डाइवोर्स फाइवर्स होता है, क्यों होता है? पहले ये सब गंदी चीजें नहीं आती थी, सिनेमा जो आती थी रामायण कृष्ण लीला सब शिक्षा प्रद आती थी, लेकिन अभी ये सब चीज कोई नहीं देखेगा। गंदी गंदी चीज आएगी ना, उसी कोई सब देखने के लिए जाएंगे, इसलिए उनका चित्त इतने भ्रष्ट हो जाता है। उसने कहा, एक बार मैंने देखा और अपना सब पत्नी को मैंने त्याग दी, वैश्या सुदरानी को साथ मिला और उससे 10 बच्चे हुए, लेकिन किसी तरह से जो सबसे छोटा बेटा था उसको नाम उसने नारायण रख लिया। देखना छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी हर हर बात में बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण तू कहाँ हो, नारायण मेरे पास ना, जैसे बेटे को बार बार बुलाते है ना, ऐसे ही दिन भर नारायण 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 बोलते रहा। जो हम कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से, अभी मृत्यु समय आया तो तीन जमदूत आए, उसको देख करके वो तो डर गया और बेटे को दूर में खेलते हुए देखा और वो अपना बेटे को उसको बुलाया, बोले बेटा नारायण नारायण, ये चार अक्षर है। जब उसने नारायण बोला इतने में चार विष्णु दूत चमचमात हुए आ गए, बोले माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम है तेरे साथ में। तीन चार विष्णु दूत आ गए। अभी ये जो ले जा रहे थे अजामिल को काल फास में लगा करके, अभी बीच में रुक गए। अभी अजामिल मरा नहीं और उसने देखा ये दोनों को अंदर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णु दूत कहते हैं हम इसको रक्षा करने के लिए आए। देखो इनके अंदर में क्या शास्त्रार्थ हो रहा है, ध्यान देकर सुनो। अगर बेटा का नाम, अगर ठाकुर का नाम रख दिया तो कितनी इसकी पुण्य है। विष्णु दूत ने कहा भैया तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्म राजा के संत, धर्म राजा के दूत है। बोले धर्म राजा का नाम लेकर के अधर्म कैसे कर रहे हो, बोले अधर्म क्या है, बोले इसको कैसे ले जा रहे हो, बोले आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मणी कम उम्र की थी, सारे सद्गुण संपन्न था, अपना पत्नी को त्याग दिया, एक शूद्राणी को साथ मिला और उसको हाथों में सारे अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, मांस मदिरा मछली अंडा सब उसने खाए और उसने 10-10 बच्चे जन्म दिया और बच्चों को पालना करने के लिए गुंडा चोरी डाकू ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं जिसने ये नहीं किया, इसलिए सीधा ये नर्क जाएगा। विष्णु ने कहा भैया पुण्य भी तो कुछ उन्हें किया, बोले क्या पुण्य किया, बोले अभी जो उसने नारायण नाम लिया, बोले वाह जिंदगी भर पाप करो मरने से पहले एक बार राम बोल तो हो गया, राम बोलने पर हो गया। इतने में विष्णु दूत कहते बोले मूर्खों तुम्हें पता है ठाकुर का नाम में कितने शक्ति है, उसने जब अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसको सारे पाप नष्ट हो गया था। जब उसने बारंबार बेटे को नारायण 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 बोला, जैसे वो माला जब करते हैं ना इसका हो गया माला जब, और उसने जब अंतिम समय पर उसने नारायण नाम लिया, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले जनमा मोनी जाता ना कराए, कौन कौन हिंदी समझते हो?
देखो ये जो प्यार में गोस्वामी जी दो चीज समझाना चाहते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करते हैं, बोले अंत राम कही तभी जा करके अंतिम समय में राम का नाम निकलता, और अंत राम कही फिर आ बतना है, पर संसार में उसको आना नहीं पड़ता है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन करा, ये बच्चा किसका है, ये बच्चे को छोड़ना नहीं, गोद में रखना, इसलिए बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कहते ये जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करने पर भी अंत राम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में राम का नाम आना बड़ा कठिन। लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहते हैं ना, अरे अभी से क्यों भजन करेंगे, जो बूढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर्ड लाइफ होगा तब एक दो माला कर लेंगे, अभी से ये भगवान का भक्ति करने का क्या जरूरत है। कहते ये बात बच्चों ने प्रहलाद को बताया, प्रहलाद जब बताया बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए, बोले क्यों प्रहलाद, 5 साल उम्र से क्यों करेंगे, जो बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, अभी से क्यों करेंगे। देखो अच्छे तरह से सुनो, आप भी सुनना दूसरों को समझाना, प्रहलाद इसका क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले बच्चों 5 साल उम्र में इसलिए भक्ति करनी चाहिए, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कोरे कागज हो, कोरे कागज के ऊपर में आप जो लिखोगे ना वो तो स्पष्ट रूप में दिखेगा, अगर कागज में एक बार लिखने का बाद उसको ऊपर में 2 बार लिखने के लिए जाओ देखना दोनों ही जाएगी। जब मिट्टी कच्चा हो आप कच्चा मिट्टी में कुछ बना सकते हो, लेकिन ये मिट्टी जब पक जाए फिर उसमें कोई चीज बनती है, वो फिर तो कुछ कोई चीज बनने वाली नहीं। जब बांस कच्चा हो अब कच्चा बांस को जिधर टेढ़ा करना उधर टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाए फिर वो टेढ़ा होगा बांस, फिर वो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। फूल जब खिला हुआ हो फिर उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, फूल जब मुरझा जाए फिर ठाकुर का चरण में थोड़ी चढ़ती है, वो नहीं चढ़ती है। पौधा जब छोटा हो एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह में लगा तो जम जाएगी, लेकिन ये पौधा का जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाए आप उसको उखाड़ कर कहीं लगाओ लगेगा ही नहीं। कहते हम रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे, बोले भैया सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, सरकार क्यों रिटायर करता है, वो देखता है और ये 8 घंटा बैठी करके भजन ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार कहता भैया जो भी होना हो गया कोई तो घर में जाओ। जब साधारण काम से तुम रिटायर हो गए फिर प्रभु का भक्ति में क्या करोगे, प्रभु की भक्ति में क्या लगोगे, इसलिए भगवान की भक्ति ये बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। जैसे देखो आप लोग आप कोशिश करो भैया ठाकुर के सामने हम 10 मिनट ठाकुर के सामने बैठी करके थोड़ी सी ठाकुर जी को याद करें, आप बैठो देखना 10 मिनट में 1 मिनट भी भजन में मन नहीं लगेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। बोले क्यों, बोले जिंदगी भर रील में जो भरा हुआ ना वही तो निकलेगा, जिंदगी भर हमने जो भरा हुआ रील में वही तो निकलेगा, भगवान के भजन नहीं किया भक्ति नहीं किया फिर भक्ति निकलेगी कैसे, जिंदगी भर जो भरा वही निकलेगा। अगर बचपन से अगर आदत डाले, जैसे छोटे बच्चे, किसी छोटे बच्चे को देखना जो कुछ पढ़ा हो ना वो झट वो चीज को कैच कर लेता है, लेकिन जब बच्चा कोई बड़े बूढ़े हो जाए बोलो कोई चीज को याद करो वो रट नहीं सकते, याद नहीं होगा। इसलिए भक्ति कब से करनी चाहिए, भक्ति हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए बच्चों ने कृष्ण ने जब प्रहलाद ने कहा बच्चों 5 साल उम्र से भजन करो, बच्चों ने कहा क्यों, जब बड़े हो जाएंगे भजन करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बोले भैया तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड थोड़ी है, अगर उसको बीच में राम नाम सत्य हो गया तो बोले गया, फिर उसको बीच में अगर राम नाम सत्य प्रभु जी उसको बैठा रखा मुझे बुला ठीक। इसलिए बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए भक्ति बचपन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, आप बोलो
बोलो मैं सुनूंगा जोर से, कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ देखो ये जमदूत और विष्णुदूत में लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है? जमदूत कहते हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में जमदूत ने बोले भैया जिंदगी भर पाप क्या, विष्णुदूत ने कहा भैया प्रभु का नाम भी तो लिया, प्रभु का नाम तो लिया, बोले एक बार मरने से पहले नाम लिया तो हो जाएगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, देखो जैसे भूस का कोई ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो, उसमें आग की एक चिंगारी अगर पड़ जाए ना वो जला करके राख बना देता है, एक आग की चिंगारी में। और भगवान का नाम तो हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम, ठाकुर का नाम लिया। देखो फिर जमदूत क्या आर्गुमेंट देते हैं, बोले उसने भगवान को बुलाया, वो तो भगवान को बुलाया नहीं, वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, अपने बेटे को बुलाया ना, भगवान का नाम तो नहीं दिया उसने। बोले भगवान का नाम चार ही तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे? बोले सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभ हेलनिना विवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बोले पहला नंबर है, बोले सांकेतम, सांकेतम मतलब संकेत इशारा करके, जैसे बेटा का नाम कृष्ण रख लिया, राम रख लिया, नारायण रख लिया, ये संकेत करके बोले बेटा कान्हा इधर आ जा, बेटा कृष्ण इधर आ जा, इसको संकेत कहते हैं। अगर ऐसे भी अगर ठाकुर जी का नाम लो ना, इसमें भी जीव का उद्धार होता है। इसलिए पहले पहले देखो जितने बड़े बूढ़ों को पूछ लो ना, कृष्ण गोविंद भरत राम, जितने माताओं का नाम ले लो, गीता सीता द्रौपदी, सब ऐसे नाम हो। लेकिन अभी देखो, अभी बच्चों का नाम पूछो, टुल्लू भुल्लू टिकी फिंकी, जितने विदेश ऐसे कुत्तों का नाम है ना, सब बच्चों का कुत्तों का नाम धरवाते नहीं, कुत्तों का नाम नहीं धरवानी चाहिए। बोले नहीं हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चे सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी प्रिंस और पता नहीं क्या क्या नाम उनको, ऐसे ऐसे सब नाम धरवाते। बोले नहीं भैया ऐसे नाम मत धराओ, वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो आप? देखना वहां पर इसको ना अंग्रेजी मंदिर देखना, कभी चले जाना देखना, छोटे छोटे बच्चों को नाम पूछना, अंग्रेजी बच्चों को अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी नाम पूछ कर देख लेना कौन सा नाम रखे, सब ठाकुर का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर। कहां अंग्रेजी लोग अपना संस्कृति को छोड़ करके और हमारी हिंदू संस्कृति को ग्रहण करते हैं, और हम अपना धर्म को छोड़ करके बच्चों का नाम सो कुत्तों का नाम पर नाम धरवा। भाई कुत्तों का नाम पर नाम धरवा। तो यहाँ पर दो बेटी बैठी है, यहाँ पर विदेश से दो लड़की यहाँ पर बैठी है, इनका नाम पूछ लो, हिंदू लेखा राधा जी की सखी का नाम है, दूसरा नाम भी ऐसे राधा जी की सखी का नाम। ये लोग अपना अपना नाम राधा जी की सखी का नाम ये लोग रखवाते हैं। ये लोग आए रसिया से, रसिया में वहां पर लड़कियां वो सरकार से लड़ रही है, जानते हो किसके लिए? बोले हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, वो लड़कियां लड़ रहे हैं सरकार से, हम साड़ी पहन कर कॉलेज क्यों नहीं जाए, लेकिन हम भारत में बोले जीन्स पहन कर क्यों हम नहीं जाए, कहते हम जीन्स पहन करके, हम सोचते हैं जितने कपड़ा एकदम नहीं पहनना उतना बढ़िया, नहीं भैया अभी जो आप लोगों ने जो संस्कृति को जो सर के ऊपर कपड़ा ढक कर रखे हो, साड़ी पहन कर रखे, ये बहुत अच्छी है, ये हमारी संस्कृति गीता सावित्री सीता के ही संस्कार है। जब तक ये चीज रहेगा ना, देखना संसार में शांति सुख रहेगी, घर में आनंद शांति सुख रहेगा। जितने अंग्रेजी का शिक्षा लोगे, हाथ पैर लड़कियां सोचती है जितना शरीर को नंगे रख सकते उतना अच्छा, नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं, उतना ही डाइवोर्स, उतना ही अशांति, इतना ही दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए अपना भारतीय संस्कृति हमें स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए बोले भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करती है। पहला नंबर सांकेत्य, सांकेत्य मतलब होता है इशारा करके। दूसरा नंबर पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब है अगर हंसी दिलाई करते हुए अगर ले लिया, अरे राम राम कृष्ण करने से क्या होता, उसमें भी कल्याण हो जाती है, उसमें भी कल्याण हो जाती है। और स्तोभम, स्तोभम मतलब है स्तुति कीर्तन करते हुए अगर ले लो,
अगर किसी तरह से ठाकुर का नाम निकल जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं। पहले मैंने बताया था ना, जैसे खेती में बीज बोते हो, देखे ना गेहूं लेकर ऐसे बीज में खेती में ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, भले ही वो उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े, लेकिन पेड़ जब निकलेगा कैसे निकलेगा, वो सीधा निकलेगा, वो पेड़ सीधा निकलेगा। किसी तरह से अगर ठाकुर का नाम ले ली, अगर लड़की का नाम राधा रख दिया, गीता रख दिया, बेटा का नाम कान्हा रख दिया, राम रख दिया, देखो ना दिन भर राम राम बोलते रहो, मुंह से राम राम निकले रहेगा, वो बच्चा का भी कल्याण, तुम्हारी जीवा का भी कल्याण, और घर में भगवान का नाम गूंजेगा, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान के नाम जितने गूंजेगा घर का दुख कष्ट सब घर से निकल जाएगा। इसलिए आप लोग सब बच्चों का नाम ऐसे तैसे मत रखा करो, मन मर्जी नाम मत रखा करो, ठीक है। बोले श्री भगवान बामन देव की, भगवान बामन देव आ गए बैठो, जब बुलाऊंगा देखो, कभी देवता देते में प्राय करके लड़ाई होती है, लड़ाई में अगर देवता मरे तो मर गए, अगर दैत्य मरे ना, इनका गुरु जी शुक्राचार्य ये संजीवनी मंत्र जानते हैं, और ये मंत्र पढ़ करके अपना चेले को जिंदा कर देते हैं। एक दिन देवताओं ने गए ठाकुर जी को पास में, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा तो अमृत पी करके अमर बनोगे। देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की, सबसे पहले हलाहल भीष्म की, फिर श्री शंकर जी को प्रार्थना की, शंकर जी टन के टन उन्होंने एकदम बीस को उन्होंने पान कर लिया, कहां धारण किया, बोले गले में, इसलिए शंकर जी गला हो गया नील, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की, देखो माताओं ने ध्यान देकर सुना, शंकर जी विशेष करके माताओं के एक शिक्षा दिया, ध्यान देकर सुना, शंकर जी ये जहर को हृदय में नहीं रखे, बोले क्यों, बोले हृदय गंदा हो जाएगा, और हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, और उन्होंने जहर को मुंह में नहीं रखा, बोले क्यों, बोले मुंह भी गंदा हो जाएगा, ये मुंह भी गंदा हो जाएगी, इसलिए कोई भी गंदी चीज मुंह में और हृदय में मत रखो। आप लोग जानते हो ये महाभारत क्यों हुआ, ये द्रौपदी की वजह से, द्रौपदी इतनी सी बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा होता है, दुर्योधन को इतना क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, अभी तेरे को मजा चखाता हूं। जब पांडव ने द्रौपदी को हार गई, बोले द्रौपदी को पकड़ करके ले आओ दुशासन, और उसको विवस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो। इतने में श्री भीमसेन ने प्रतिज्ञा की, बोले जिस जंघे के ऊपर तू पांचाली को बनाना बैठना चाहते हो, घोर युद्ध में तेरे जंघा में तोड़ूंगा। बस यही महाभारत का कारण बना, यही महाभारत के कारण बन गई। द्रौपदी थोड़ी सी जीवा को उसने थोड़ी सी उल्टा पुल्टा काम में लगा दी। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, हर शरीर में हर जगह में हड्डी है, इसलिए अंगुल में हड्डी देखना सीधा हो जाता है, हाथों में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, कमरे में हड्डी इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, पैर में हड्डी इसलिए चलते हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बता सकते हो किस में हड्डी नहीं, ये जीव में हड्डी नहीं, हर समय लपर 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 करते रहता है, वो कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। और घर में देखना ये रामायण क्यों हुई, गुरु जी कहते थे सीता की वजह से, सीता देवी है, लक्ष्मी है, शिक्षा देने के लिए उन्होंने की, द्रौपदी भगवान की भक्त शिक्षा दे रहे हैं। बोले सीता ने क्या गलती की, बोले जिस समय ये मारी जी ने हिरण बन करके आए, मैया सीता बोले राम को मेरे को पकड़ करके ला, अभी राम चले गए, राम लक्ष्मण को बोले देख लक्ष्मण यहाँ पर सब राक्षस लोग रहते हैं, सीता को अकेले छोड़कर कभी नहीं जाना। इतने में उसने बाण मारे मारीची को, वो था राक्षस, इतने में मारीची ने बोले भैया लक्ष्मण, सीता ने बोला तुमने सुना, लगता है राम के ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी है, लक्ष्मण को पता है राम के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, भगवान है। सीता ने बोले तुम जल्दी जाओ भैया को बचाओ, बोले मैं जा नहीं सकता हूँ, भैया मेरे को आपको रक्षा करने के लिए छोड़ कर गए। सीता का बोले इतनी सी बोल दी मैं समझ गई हूँ तू साथ में क्यों आया था, तू सोच रहे हो राम मरने पर तू मेरे से शादी करोगे, वो तो माता को अपना आराध्य ये माँ मानती है, अगर सीता ऐसे बोलेगा लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकती, उसने जाने के लिए बाध्य हुआ। बोले देखो माता जी एक काम करियो,
कि जो लक्ष्मण रेखा में काट रहा हूं इसको कभी पार नहीं करना। सीता दो गलती की, एक तो लक्ष्मण रेखा को उसने उल्लंघन की और दूसरे उन्होंने जिह्वा को चलाया। पूरा रामायण रावण सीता को उठा कर ले गया, पूरा रामायण रच गई है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं माताओं को, कभी भी अपना मर्यादा रेखा को लंघन नहीं करना, नहीं तो रावण हमें उठा कर ले जाएगा, ये शिक्षा देते हैं। दूसरी, कभी जिह्वा को मत चलाना। भाई भाई में क्यों लड़ाई होती है, बहू बहू में क्यों लड़ाई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जिह्वा स्लीप कर गया, कुछ हुआ नहीं, केवल जिह्वा थोड़ी सी स्लीप कर गया। बोले उसने मेरे को ऐसे बुलाना, उसने मेरे को ऐसे बोली। देखना घर घर में लड़ाई, महाभारत रामायण घर घर में शुरू हो जाती है। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते, देखो जिह्वा को मत चलाए करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, बोले भैया ज्यादा बोलने की इच्छा है ना आपको, ज्यादा बोलने की इच्छा है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले एक एक लाख हरिनाम करो, एक एक लाख ठाकुर का नाम जप करो। जिह्वा में बोलोगे ना इधर उधर क्यों बात बोलोगे, ठाकुर का नाम ही जप करो है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली। फिर लक्ष्मी ने नारायण को बोला माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर मंथन हुई, धन्वंतरी ने अमृत कलश लग निकला। अभी तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, बोले अहम पूर्वम पहले हमें मिलनी चाहिए। दैत्यों ने जोर जबरदस्ती छीन लिए। ठाकुर जी ने देखा अगर ये दैत्य अमृत पी करके अमर बन गए तो ये दुनिया के लिए हानिकारक है। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लेते हैं। भगवान क्या सुंदर बन करके आए, जो लड़ाई हो रही थी ना लड़ाई बंद, और मोहिनी से बात करने के लिए सब पागल हो रहे थे। मोहिनी बोली भैया ये बात क्या, क्यों लड़ रहे हो आपस आपस में। बोले हम दोनों भैया हैं, ये अमृत पीने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इतने में दैत्यों ने कहा देखो मोहिनी ये अमृत तुम हमारी दोनों में बंटवारा कर दो। बोले भैया अनजान स्त्री को विश्वास करना ठीक नहीं है। बोले नहीं अमृत पिएंगे तो तेरी हाथ से, नहीं तो अमृत हम पिएंगे नहीं। बोले देखो मैं जो करूंगी फिर बीच में बोलना नहीं, बोले कुछ नहीं बोलेंगी। बोले दोनों लाइन करके बैठ जाओ। बोले देवता को पहले ऊपर ऊपर पानी पानी का पिला देते, तुमको हम गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगा। बोले मोहिनी अगर अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गई मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। इतने में मोहिनी देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन दैत्यों को तरफ ना थोड़ी सी तेरे से चित्तवन से देख रही थी और थोड़ी सी मीठी मीठी हंस रही थी, और दैत्य तो उसी में ही पागल हो रहे थे दैत्य। इतने में उन्होंने अमृत पिलाते पिलाते उन्होंने सब अमृत पिला दिए, लेकिन बीच में एक दैत्य ने धोखे से अमृत पी लिया। ये सुरभान दैत्य चंद्र सूर्य वाला प्रभु, ये दैत्य धोखे से अमृत पी भगवान चक्र को बुलाया और उसको गला काट दिए। जब गला काट दिए एक राहु और एक केतु बन गए, और बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये ग्रास करते हैं। हाँ देखो कहते ना ये प्याज लहसुन हम क्यों नहीं खाते हैं। जिस समय उन्होंने ये दैत्य को गला काट दी, जहां पर इसकी मांस गिर पड़ा वहीं से प्याज निकला। देखना मांस का रंग जैसे लाल लाल है, प्याज का रंग देखो वैसे लाल लाल है। इसलिए आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, आप लोग सभी रखते हो। आप लोग 9 दिन तक प्याज लहसुन को ही खाते हैं आप लोग, बोलो खाते कि नहीं। नहीं खाते हो, बोले क्यों, मैया नाराज हो। बोले क्यों नाराज होगी, बोले कारण है कि जो प्याज है ना ये राक्षस की मांस सृष्टि हुई है। इसलिए देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के, वो प्याज भी लाल लाल रंग के। मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू आती है, देखना कच्चा प्याज खाओ मुंह से भी वैसे बदबू आएगी। अगर यहाँ पर प्याज कटेगा ना पता चलेगा भैया कहीं प्याज कट गई है। आप प्याज काटो अपना आंखों से आंसू भी निकल आती है। इसलिए ये प्याज और लहसुन जहाँ पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहीं से ये लहसुन की पौधा हुई।
जहाँ पर खून का बूंद गिरी वहीं पर मसूर डाल दी। हम लोग देखना, पहले हमारी हिंदू घर में ये तीन चीज नहीं घुसाया करते थे। आप देखना, किसी किसी घर में अभी भी नहीं लेते हैं। आप लोग अपना मैया को देख लो, अपना पिताजी को देख लो, घर में कोई नहीं लाया करते थे, लेकिन ये कलिजों का प्रभाव से सबके सब खाने लग गए, लेकिन किसी घर में ये प्रवेश नहीं करता था। हमारे जो वृंदावन में 84 क्रोश में इसका तो प्रवेश वर्जित था, प्रवेश वर्जित है 84 क्रोश में। क्यों? सबके सब पहले घर में ठाकुर को भोग ला कर खाने दे, हमारे पिताजी के पिताजी को देखो, माताजी के माताजी को देखो, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा कर खाते थे। ये चीज किसी घर में नहीं आती थी, इसलिए आप लोग कोशिश करना धीरे धीरे ये चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना खाओ। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उनको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता, क्योंकि ठाकुर को भोग लगा कर खाते हैं। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अगर ठाकुर जी का प्रसाद खाओगे, अब स्वयं देख लेना घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, घर में बच्चा बेटा बात नहीं सुनता है, घर में अशांति है, एक काम कर लेना, बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, परिवार को सबको खिलाओ। आप देखना कुछ दिन में जिस घर में अशांति दुख कष्ट है पूरा घर में शांति वातावरण आ जाएगा, क्योंकि जैसे खाओगे मन भी वैसे बनेगा, है मन भी वैसे बनेगा। ठाकुर जी की प्रसाद खाओगे तो मन में शांति सुख आएगा, और घर में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि हर चीज भगवान की सेवा में लगती है। इसलिए कोशिश करना शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर को भोग लगाओ और भगवान की प्रसाद को खाया करो। इतने में जब मोहिनी ने सारे अमृत को बांट करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गई, फिर देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। इतने में देवता लोग अमृत पी चुके थे दैत्यों को, जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, ऐसे ही काटना उन्होंने शुरू कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी आकर के फिर युद्ध को रोके, फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से सारे चेले को जिंदा कर दिया। फिर बलि महाराज ने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ। वह यज्ञ से एक रथ निकली, जिस रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध कर तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकते है। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव का प्रसादी माला दिया, फिर बलि महाराज स्वर्ग ऊपर आक्रमण करके सारे देवता को मार मार करके भगा दिए, फिर बैठे गए। इतने में देवता को माँ अदिति ने कश्यप जी के पास में गए, बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, बोले एक पय व्रत करो केवल 12 दिन का, ठाकुर जी को खीर भोग लगाओ, बड़ा नीति नियम को साथ में रहो, ठाकुर जी वामन बन करके आएंगे वही स्वर्ग राज्य देंगे। फिर श्री भगवान श्री वामन देव जन्म लेते हैं, बोले श्री भगवान वामन देव की। जब वामन देव प्रकट हुए उनकी उपनयन संस्कार हुई, नियम है उपनयन संस्कार को बाद में शिष्य को गुरु जी को कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। बृहस्पति को बोले वामन देव आप दक्षिणा क्या चाहते हो, बोले हमें ये स्वर्ग राज्य को हमें दक्षिणा रूप में ला दो, बोले कहाँ से, बोले चले जाओ श्री भृगु कच्छ नर्मदा नदी के किनारे में श्री बलि यज्ञ कर रहा है। हरे कृष्णा, तुम लोग का दिन में क्या टाइम नहीं मिला, अभी टाइम मिलेगा तुम लोग, अभी 2 मिनट के बाद में अभी भजन होगा ना, फिर लगा 2 मिनट। इतने में बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में श्री वामन देव जी पहुंचे बलि महाराज का दरबार पर, इतने में बलि महाराज भगवान का रूप देखकर मुग्ध हो गए, बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया, भगवान की चरण धो के अभिषेक किए, चरणामृत लिए, बोले प्रभु आज मैं इतने दान दूंगा कहीं आपको झोली पसारने का जरूरत नहीं, बोले पहले आप संकल्प। जब संकल्प करने जा रहे थे इतने में शुक्राचार्य जो दौड़ दौड़ करके आया, बोले बलि सावधान, बोले जानते हो ये कौन है, बोले कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया, देखो ये तीन पग जमीन नहीं ये त्रिभुवन को ले जाएगा, खबरदार सावधान, इसको दान नहीं देना,
बलि महाराज बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। आप स्वयं कहते हो ये ठाकुर जी है, दुनिया तो उन्हीं की इच्छा करने पर सब ले सकते थे, लेकिन ठाकुर जी दया करके मेरे पास में दान मांगने के लिए आए, मेरे जैसे सौभाग्यवान कौन हो सकता है। बोले मैं गुरु जी, मेरे गुरु जी का बात नहीं सुन दो। बोले नहीं, बोले जा तेरे को अभिशाप देता हूं, तू श्री भ्रष्ट हो जा। देखो मेरे तरफ पे देखो, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग पाप लगता है, लेकिन यहाँ पर बलि महाराज अपना गुरु जी को त्याग दिया। बोले क्यों दिया? बोले तीन जगह पर हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर? ध्यान देकर सुना। अगर गुरु जी असत मार्ग में चले गए, भक्ति मार्ग छोड़ करके उन्होंने कहीं असत मार्ग में चले गए, अगर वो गुरु जी को त्याग दे तो कोई दोष नहीं है। दूसरी, गुरु जी तभी त्याग दे सकते हैं अगर गुरुदेव कोई वैष्णव परंपरा में अगर नहीं आए। इसलिए नियम शास्त्र कहता है भक्ति करने के लिए चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक। ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के मंत्र ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो वो मंत्र निष्फल है, वो मंत्र फलीभूत नहीं होता है। इसलिए अगर गुरुदेव ने भक्ति मार्ग में नहीं, कई ज्ञान कर्म किसी योग मार्ग, वो भक्ति मार्ग में नहीं, तभी हम गुरु जी को त्याग दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए यहाँ पर शुक्राचार्य इसलिए गुरु जी को त्याग दिया। बोले भैया गुरु जी का काम क्या है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु का काम है जो कण कण में जो व्याप्त भगवान है उनकी चरण को जो दर्शन कराए। अरे साक्षात ठाकुर जी आए और ये स्वयं मेरे पास में दान मांगने के लिए आए। आप कह रहे हो ठाकुर को ही दान मत दियो, भैया ऐसी गुरु जरूरत नहीं, उन्हें गुरु जी को त्याग दे दिया। इतने में फिर जब संकल्प करने के लिए गए, फिर कीड़े बनकर के बैठ गया, फिर कुछ से छेद किया तो आग ही चली गई। यह शिक्षा देते हैं अगर कोई धर्म का काम हो उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कहते ना, अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते हो कभी किसकी बुराई भी मत करो, कभी भी अच्छी काम पर टांग मत अड़ाओ। हो सके तो मदद करो, नहीं तो चुप रहो, नहीं तो आग ही जल जाए, कारण बन जाएंगे। इसलिए वहां से शुक्राचार्य भगे, फिर उन्होंने संकल्प किया, ठाकुर जी एक पग में भूर भूर मोहजन तपसत लोक नाभ लिया, एक चरण पहुंचा जाकर के ब्रह्म लोक में, और वहां पर पितामह ब्रह्मा जी चरण को अभिषेक करते हुए उसकी चरणामृत कमंडल में रखे, वही हो गया पतित पावन श्री गंगा जी। बोले श्री गंगा देवी की जय। कोई जय कर नहीं दे रहा। बोले श्री गंगा देवी की जय। दूसरे चरण में अतल पीतल तलातल पाताल लोगों को ले लिए। बोले बताओ तीसरे पग कहाँ पर रखे? उन्होंने नाग फांस बंधन में बांध दिए। जब बांध दिए इतने में उनकी जो पत्नी है ना, बड़ी धर्मपति थी। देखो पत्नी दो तरह का है, एक धन पत्नी और एक धर्मपति, एक धन पत्नी और एक धर्मपति। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं? बोले जब रुपया पैसा धन दौलत हो तभी रही, बोले धर्म नहीं तो चली जाए। बोले धर्म पत्नी किसको कहते हैं? बोले दुख है सुख में हर समय जो पति की मदद करते रहे। पति को हर समय ऊंचा उठा कर रखनी चाहिए, पति को कभी नीचा नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोले आप ठाकुर को क्या दिया, दुनिया तो ठाकुर जी का, ठाकुर दुनिया को ले लिए, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी देना होता है। बोलो ना आपका सर पर रखे। बलि महाराज खुश हो गए, भैया पत्नी ऐसी होनी चाहिए। बोले ठाकुर जी ये बताओ, दान बढ़ाना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले आप केवल दानी लिए, भाई दानी स्वयं बाकी है। बोले कहाँ पर प्यार रखे? बोले मेरे सर के ऊपर प्यार रखो। फिर ठाकुर जी उनके सर के ऊपर प्यार रखे। सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे। बोले देखो बलि महाराज कितने भाग्यवान, ठाकुर जी अभय चरण को, जो चरणों को लक्ष्मी हर समय गोद में रख करके चरण की सेवा करती है, ठाकुर जी वो दुर्लभ चरण से
बलि महाराज के सर पर रखे। बोले श्री बलि महाराज की जय। बोले श्री बामन भगवान की जय। इतने में भगवान बोले ब्रह्मा को, बोले ठाकुर जी जब जब मैं घर से निकलूंगा आपका दर्शन करना चाहता हूँ। ठाकुर जी उनको सुकल लोक में स्थान दे दिया। भगवान की चौकीदार बन गए। चौकीदार वहीं पर बैठ रहे ठाकुर जी हैं। अभी नारद जी वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। नारद जी बोले माता जी नारायण कहाँ गए? बोले पता नहीं कहीं गए, अभी तक आए नहीं। बोले ठाकुर जी ना विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया। बोले नौकरी ढूंढ लिया? बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज का दरबार में नौकरी। बोले कौन सा नौकरी? बोले चौकीदार का। अभी मैया लक्ष्मी स्वयं बलि महाराज का घर पर आते हैं। बलि महाराज रोज दान देते हैं। अभी माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी हो गई। जब लक्ष्मी की नंबर आई, बोले मांगो। बोले पहले आप संकल्प करो। बोले संकल्प करने का क्या जरूरत है? बोले बगैर संकल्प से मैं मांगती नहीं। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरा कौन जो संकल्प कराने के लिए आए? इतने में उन्होंने संकल्प की, बोले बताओ क्या चाहिए? बोले मेरे घर में तो सब कुछ है, लेकिन एक दरवाजे की कमी है। मैंने देखा आपका ये जो दरवाजा है ना, बहुत अच्छा दरवाजा है, ये दरवाजा मेरे को दे दो। फिर तो बलि महाराज समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले पहले बताओ आप कौन हो? फिर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। बोले प्रभु जी ये दरबार को तो मैं दे नहीं सकता हूँ। बोले आप एक स्वरूप में जाओ और दूसरे स्वरूप में रहो। देखो भगवान प्रेम में कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं। सारा दुनिया जिससे प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी को देखे होंगे, माँ लक्ष्मी ऐसे बैठती है, सबका आशीर्वाद देती है। बगैर लक्ष्मी के सबके सब कंगाल बन जाएंगे। सबके सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, लेकिन आज वो लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। और बलि महाराज क्या दान दे रहे हैं? बोले छोटे मोटे चीज दान नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दान दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी को नारायण को दान दे रहे हैं। मतलब भगवान इनके प्रेम में कितने वशीभूत हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। बोले श्री बामन भगवान की। देखो अभी भगवान बामन देव आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। नियम है भगवान को कुछ भिक्षा देनी चाहिए। सुदामा जी ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन करा देते दिया। और ठाकुर जी सारा जीवन हमें दे रहे हैं, आज ठाकुर जी भिक्षुक बन करके आपको पास में कुछ लेने जाएंगे। अब लोग कुछ कुछ दान करो, उनको भेज दो, उनको भेज दो। कोई है यहाँ पर जो साथ में ले जाए? यहाँ पर कोई है इनको साथ में ले जाए? बोलो बाबा भगवान की जय। जय श्री राधे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते द्वार खड़ा भगवान, भगत भज से तो तेरा होगा बड़ा ऐसा कि युग युग तेरी रहेगी भगत भज से। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे Thank you.
गगन है सारा, होने है सारी धरती देखी तोला गगन है सारा। ने आया तेरे घर जगत का पालन हरा रे, जगत का पालन मैं आज तेरा मेहमान कर ले दे, मुझसे जरा कह जा भगत भर दे भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे और जसोदा को आप हाँ उनको पीछे ले जाओ, पीछे ले चलो और जब कृष्ण जन्म लेंगे तो टोकरी में कृष्ण को रख लेना और सबके सब फूल बरसात रहेंगे। ठाकुर जब आएंगे सबके हाथ में साइड में थोड़ा थोड़ा फूल दे देना
ठाकुर पर फूल बरसा रहे हैं। केक लाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, केक काटे हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। हमारी रोहिणी सुधर रहो जी, पीछे ले जा, चल जल्दी जल्दी, कोई है वहां पर देखने वाले? हरे कृष्ण। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा वंशाना चरितं परमाभूतं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ देखो भागवत में दो वंशों का चरित्र आया है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश है। और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए और सूर्य वंश में भगवान राम आए। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले यद्यपि भगवान की अनंत लीला है, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले सबसे प्यारी प्रभु राम और कृष्ण की कथा सबसे सुंदर कथा है। इसलिए भगवान की कथा कैसे है ठाकुर जी की कथा? बोले भगवान की कथा बड़ा मधुर है, इतने मीठा, इसलिए जिसको वेद में बताए रस वैस रसम जगया लब्धानंद भगवती, भगवान पूरा पूरा की रसी रसे रस बैस, जैसे रसगुल्ला है, गोले को अगर रस में डाल दो ये रसगुल्ला हो जाएगा, उसी तरह क्या भगवान है? भगवान में रस है ना, भगवान रस स्वरूप है। बोले भगवान स्वयं रस स्वरूप है, जैसे रसगुल्ला की जिधर कामना उधर मिठाई मिठाई। इसलिए श्री वल्लभाचार्य ने एक मधुराष्टक गाए हैं, कैसे भगवान का पूरा ही पूरा ठाकुर मीठा मीठा है। देखो क्या कहते हैं, बोले अधर मधुर वासनांग मधुर नायनांग मधुर आशीतांग मधुर अधर मधुर बदनम मधुर नयनम मधुर हसितम मधुर पवित्र है। बोले तीन गंगा है, एक गंगा आकाश में रहती है जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है। एक गंगा ये मर्त्य जगत में बहती है जिसका नाम भागीरथी। एक गंगा पाताल में रहती है जिसका नाम भोगवती। जैसे ये गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको पवित्र करती है? बोले जो बोलने वाले उनका भी पवित्र, जो सुनने वाले उनका भी पवित्र, और जो प्रश्न करते हैं उनको भी पवित्र करते हैं। कहते भगवान की कथा में इतने मीठा इतने मीठा। बोले जो आत्मा में रमण करने वाले जैसे चतुसन जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं, कहते शंकर जैसे व्यक्ति जब इनकी कानों में कृष्ण कथा पढ़ती है ना, बोले कुर्बन अहि दुखी भक्ति इतम भूत गुणहरी। हरि की इतने मीठा कथा, बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी भगवान की कथा आकर्षण करना चाहते हैं। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, बोले सबसे मीठी दवा क्या है? बोले भगवान की कथा। इसलिए परीक्षित महाराज कुछ ही नहीं किए,
कोई ध्यान ज्ञान यज्ञ कुछ नहीं, केवल उन्होंने बैठ बैठ कर कथा सुनी और कथा सुनते सुनते ठाकुर जी को पास में चले गए। इसलिए बोले भगवान की कथा बड़ी मीठी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में एक उदाहरण दिया, उन्होंने एक श्लोक में पूरी कथा सुना दी। कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए, कैसे पुतना अघासुर बकासुर को कैसे मारे, कैसे काली के सर पर नृत्य की, कैसे गिरिराज उठा दिए, कैसे रास किए, मथुरा में गए कंस को उद्धार किए, द्वारका में गए 16,108 पटरानियों से शादी किए, हर पत्नियों से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई ठाकुर जी की, फिर उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किए, प्रभास क्षेत्र में गए और ठाकुर जी अंतर ध्यान होकर के अपना लीला संवरण कर दिए, अपना धाम में चले गए। और इतना बोल करके उन्होंने बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, कोई जयकार नहीं दे रहे। अरे भगवान की जय दोगे तब तो ठाकुर आएंगे, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। इसलिए इन्होंने पूरी कथा को बंद करके चुपचाप बैठ गए। परीक्षित महाराज बोले क्या कथा हो गई, बोले बोल दिया ना पूरा कृष्ण कथा तो सुना दी। बोले मैं चार चार दिन से केवल एक आस लगा करके बैठा हुआ हूँ, कब कृष्ण की कथा आई और मैं जी भर कर कथा सुना, क्योंकि जो कृष्ण मेरे कुल देवता है। जब मैं मैया के पेट में था, अस्वस्थ माँ ने मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, ठाकुर ने ही मेरे को गर्भ में बचाया था। मैं तो केवल ठाकुर की कथा सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ, लेकिन जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में पूरा उन्होंने समुद्र को पानी पी लिया, आप तो एक श्लोक में पूरी कृष्ण कृष्ण कथा सुना दिया, मेरे को तृप्ति नहीं मिला। इसलिए आप एकदम विस्तृत रूप में कृष्ण कथा सुनाओ, एकदम विस्तृत रूप में कृष्ण कथा सुनाओ। देखो यहाँ प्रश्न है, प्रिय सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में सारी कथा क्यों सुना दी, कारण क्या? बोले कारण है, बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाय, बोले ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है, प्रिय सुख, इनकी मन में भी लालस है कब कृष्ण की कथा आए और मैं जी भर करके मैं ये कृष्ण कथा सुनाऊं। हरि बोल। इनकी मन में भी यही इच्छा मैं कृष्ण कथा में सुनाऊं। जैसे कोई एक प्यासी एकदम जेठ के महीना हो, बहुत गर्मी पड़ा हुआ हो, वो भूख फट रहा है प्यास के मारे, अगर एक व्यक्ति कोई एक ग्लास उनको जूस दे, अब क्या करो, पूरा के पूरा एक जूस पूरा का पूरा पी लोगे। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण कथा सुनाने के लिए उतावला हो रहे थे, लेकिन जब उनकी कृष्ण कथा आई ना, उन्होंने पूरा एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी हम कृष्ण कथा सुनेंगे, अभी कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, अभी हमारे प्रभु जी हमारे एक प्रभु जी आए हैं, ये हमारे गुरु जी की बड़े प्रिय शिष्य हैं और गुरु जी की बड़ी सेवा की है, ये आपको 5-10 मिनट फिर ठाकुर जी कथा सुनाएंगे, हम ये जीवन क्यों मिला, जीवन पाकर कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन का क्या महत्व है, आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। भैया सामने इतना भीड़ मत किया करो, बामन देव को अकेले बैठने दो। हरे कृष्ण। गुरुवे गोवर्चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ती नामिने। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पे और मुझ पे वो अपनी कृपा बरसाएं, ताकि इस शुद्ध भक्ति की धारा को हम समझ पाएं और पालन कर पाएं। उसके बाद मैं व्यास आसीन
पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और वही प्रार्थना इनके चरणों में भी करता हूँ कि वो हम सब पे और मुझ पे कृपा करें ताकि शुद्ध भक्ति की धारा को हम समझ पाए, पालन कर पाए, चल पाए। महाराज जी ने आज्ञा दी कि कुछ साधन भजन हम कैसे कर पाए तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर पाऊं। तो जैसा महाराज जी से अपने गुरुदेव से वैष्णवों से कुछ श्रवण किया है वही आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करूंगा। उससे पहले एक प्रश्न है कि रोज सुबह आप उठते हो, रात को फिर सोते हो, अगले दिन सुबह फिर उठने के लिए और पूरा दिन एक दौड़ में पड़े रहते हो, वो जो दौड़ लगा रहे हो वो किस चीज के लिए? सुबह उठते हो, रात को फिर सोते हो, जिस भी टाइम पे सोचते हो फिर भी सुबह हम उठते हैं और फिर एक दौड़ में लग जाते हैं, वो जो पूरा दिन की दौड़ भाग है वो क्या वस्तु है, उसके लिए, किस चीज के लिए? चलो वो दो चीजें हैं, मैं आपको बोल देता हूँ कि वो दो चीजें हैं जिनके लिए आप ये दौड़ भाग कर रहे हैं। पैसा। क्या है? पैसा। सन्नाटा हो गया बिल्कुल। अरे बोल। एग्जाम पेपर हाथ में दे दिया, सिलेबस ही नहीं पढ़ा हमने, ये देखना खुद। ये आरती हमने सुनी होगी ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, मतलब सुख आए और दुख जाए, यही दो चीजें हैं। चाहे कुछ भी उठा लो, खाना पीना सोना रहना, मकान में ये, दुकान में वो, नौकरी में ये, कुछ भी, पर इस सुख दुख का जो अनुभव है, या ये कहो कि जो सुख दुख है आपके लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, समझ में आई बात? कि एक जो सुख आपके लिए हो सकता है वो दूसरे के लिए दुख हो। आज की डेट में हमारे लिए सूर्य देव क्या है, सुख है या दुख है? और जेठ में, जेठ के महीने में क्या हुआ भाई? सूर्य देव भी वही, मैं भी वही, और वो क्या देने लग गए अब? दुख। अब एक चीज जैसे ही इसी के हिसाब से अब एक और चीज पे जब बात, ये क्यों बात टॉपिक छेड़ा, क्यों? क्योंकि अब हमें समझना पड़ेगा, प्राय अभी हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं कौन से धर्म के हैं? सनातन। सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन। सनातन धर्म। कौन सा धर्म है हमारा? सनातन। सनातन धर्म। अब एक चीज, अब इस सनातन धर्म को थोड़ी देर में समझेंगे हम। सनातन का मतलब क्या होता है? जो था है और रहेगा। और धर्म का अर्थ क्या होता है? सही मार्ग। क्या होता है धर्म का अर्थ? धर्म क्षेत्र। बताओ धर्म का अर्थ क्या होता है, कोई तो बोलो, कुछ आ जाएगी आवाज, कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा, मेरे कान बहुत तेज हैं। वो देखो वो माता जी हंस रही है, उनकी आवाज आ रही है मेरे को हंसने की। धर्म का अर्थ आज हम बता देते जैसा हमने गुरु वैष्णव से शास्त्रों में जैसा सुना है। धर्म का अर्थ होता है वो स्वभाव या वो गुण उस वस्तु का जो उसके साथ ही बनी थी और हमेशा उसके साथ रहेगी, अगर उसमें से, उस वस्तु में से मैंने वो गुण निकाल दिया या वो स्वभाव निकाल दिया तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अगर मैं वो जलाने वाला स्वभाव या गुण उस अग्नि में से निकाल दूं तो क्या मैं अग्नि को अग्नि कहूंगा? नहीं। तो अब अग्नि में से अगर मैंने जलाने का गुण निकाल दिया तो वो अग्नि नहीं रही। ऐसे ही जीव, जीव कहने का मतलब यहां पे क्या है, क्या हम ये शरीर हैं? इतना तो हमें समझ में आ गया, क्या हम ये शरीर हैं? नहीं, हम क्या हैं? आत्मा। तो इस आत्मा का धर्म क्या है?
ये आत्मा जब बनी, जब भी बनी, कैसे भी बनी, क्यों? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ममेर वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, कि भगवान क्या है? सनातन थे, हैं और रहेंगे, और ये जीव मेरा ही अंश है, ये मुझसे ही निकला है, तो ये भी क्या है? सनातन है। और जब ये बना, जैसे पुत्र, एक माता पिता और पुत्र है, उनसे वो पुत्र क्या है? माता पिता का अंश है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है? माता पिता की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, स्वाभाविक रूप से। वैसे ही ये जो आत्मा भगवान में से निकली है, इसका स्वभाव और गुण क्या है? भगवान की सेवा करना। अब वापिस आते हैं अग्नि पे, वही जलता हुआ कोयला अगर मैंने रजाई में लपेट के रख दिया, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोयला जलता हुआ, पर क्या वो जलना छोड़ देगा? अभी वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है, धीरे धीरे शायद वो लगता है पूरी रजाई को आग लगा देगा। ऐसे ही ये आत्मा को ये शरीर मिल गया, ये क्या है? ये शरीर मिल गया, किसी को कोई, किसी को कैसा, किसी को कैसा, पर जो आत्मा का स्वभाव है, गुण क्या था? सेवा करना। क्या वो अभी भी है? है, है? खुद देख लो, सुबह से उठ के रात तक क्या कर रहे हो? कभी गाड़ी की सेवा में लगे हो, कभी मकान की सेवा में लगे हो, कभी बच्चों की, कभी पति की, कभी भाई की, कभी किसी की, कुछ नहीं तो कुत्ते की सेवा में लगे हुए हैं, बिल्लियों ने बिल्लियां तक पाल ली है, चूहे तक पाल ली है, इंसानों से मतलब पेट नहीं भर रहा हमारा, तो हमने ये सब कर लिया। ये सब किस लिए? क्योंकि वो सेवा करने का हमारे अंदर क्या है? गुण है। पर ये जो शरीर मिल गया है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर के होके, इस शरीर के हिसाब से उल्टी सेवा में लग गए हैं। इसीलिए खुद एक प्रश्न अपने आप से करो कि आज तक पूरे जीवन में मैंने कईयों की सेवा करी है, पर क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सेवा से 100% सेटिस्फाइड है? है कोई? आपका बॉस, आपकी बीवी, आपके बच्चे, माता पिता, सास ससुर का तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी इमेज ही हमने ऐसी खराब कर दी है। जैसा महाराज जी ने बताया था ना बहुत टाइम पहले, कि रामायण महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इनमें पढ़ोगे तो कहीं पे सास बहू का झगड़ा है? कहीं नहीं है। उल्टा क्या है? आज के जो सीरियल, जो टीवी में हम मोबाइल में घुस गए हैं, उसमें इसी से टीआरपी बनती है, कि सास अपनी अलग प्लानिंग कर रही है कि आज इसको तेल डाल के सीढ़ियों में मैं बहू को गिरा दूंगी, एक्सीडेंट दिखेगा, इससे छुटकारा मिलेगा। वहां बहू दूसरी प्लानिंग कर रही है। जैसा देखेंगे वैसा ही तो हम करेंगे। अब जिस सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, इस चीज को अच्छे से समझ के आ जाएंगे कि ये सनातन धर्म किसका है? शरीर का है या आत्मा का? क्या शरीर सनातन है? है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये बोल दे कि मेरे घर में या मेरे कुंबे में, मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं मरा? है कोई? इसका मतलब ये शरीर क्या है? नश्वर है। आत्मा सनातन है। आज की डेट में ये शरीर हमें कौन सा मिल गया? शायद किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहाई, पता नहीं कितने कितने हमने जो धर्मों के नाम रखे हुए हैं, किसी में भी हो गया। मान लो आज हम सब हैं, हिंदू शरीर मिल गया है हमें, हम आज अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, कल को आज अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो आप किसके साथ हो? भारत के साथ हो। और कल को आज हम मर जाएं, कल मैं जन्म ले लूं पाकिस्तान में, तो किसके साथ हो? ये आत्मा खिलौना बन गई है इस शरीर का। तो हमें क्या समझना है शास्त्रों के माध्यम से, इस सनातन धर्म के माध्यम से? सनातन धर्म किसका है? आत्मा का। और ये जितने नाम दे दिए हैं, ये शरीर किस, ये धर्म किसका है? इस शरीर का। इसीलिए जो कल प्रभु जी हमारे मदन मोहन प्रभु ने एक श्लोक बोला था भगवद गीता का, सर्व धर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, उसमें क्या बात हो रही थी? कि इस शरीर के जितने भी धर्म है उसको छोड़ दे और फिर तू मेरे पास आ, मत डर, तेरी रक्षा मैं करूंगा। ये भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में ऐसे आ। इसका मतलब क्या है? आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होके,
कि भगवान की सेवा करना ही इस शरीर का धर्म है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, यही हमारे शास्त्र हमें सिखा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में ये शिक्षा बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज की डेट में स्कूल कॉलेज आपको केवल क्या बना रहे हैं, एटीएम, कि भाई धीरे धीरे ये मशीन बन जाए, आगे चल के जब इस मशीन का प्लग किसी ऑफिस में लग जाए या किसी बिजनेस में लग जाए तो केवल ये मशीन पैसे निकाले। आज की डेट में अगर आपका बेटा आपको पैसे देना बंद कर दे या माता पिता बच्चे को पैसा देना बंद कर दे, फिर भी क्या उतनी रिस्पेक्ट रहेगी? देखना, ये स्वार्थी जीवन हमारा, हम इतने क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा होता जा रहा है, हमारे संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं। यही संस्कार अगर हम आगे आने वाली जनरेशन को देंगे तो क्या हाल होगा? आज की डेट में ही सोच लो कि हमारे बच्चे हमें क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होके, तुमने मेरे लिए कर क्या दिया? क्या बोलते हैं, अरे तुमने मेरे लिए करा क्या है? ये तो हर माता पिता करेंगे, पैदा क्यों किया था फिर मेरे को, भुख तो करना पड़ेगा। और वाकई में अगर देखा जाए तो हमने किया क्या है उनके लिए? शास्त्र कहते हैं कि वो जननी जननी नहीं है जिसने भक्त नहीं जना, वरना उससे अच्छी जननी तो सुवरिया है, एक साथ दर्जनों जनती है और टेंशन भी नहीं है पालने की। यहाँ एक ही पालने में कितने पसीने, खून पसीना लग जाता है। इसी चीज को समझाने के लिए ये साधु, ये वैष्णव बार बार आते हैं। इनको आपके पैसे का कोई लालच नहीं, खाने पीने का कोई लालच नहीं, भगवान पूरी व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, पर इनके हृदय में वो शास्त्र ज्ञान, वो भगवान का प्रेम, वो सेवा का ज्ञान है, उसको देने के लिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये सनातन धर्म की शिक्षा देने आए हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सूर्यदेव जब अपनी किरणें फेंकते हैं तो क्या वो भेदभाव करते हैं कि शूद्र के घर पे नहीं पढ़ूंगा, ब्राह्मण के घर पे पढ़ूंगा, करोड़पति के घर पे पढ़ूंगा, झोपड़ी पे नहीं पढ़ूंगा, क्या वो भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे ही ये साधु जन कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। क्या महाराज जी ने यहाँ पे आते ही पूछा कि हाँ भैया यहाँ पे कौन बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा या कौन फोकट वाला, फोकट वालों को बाहर निकाल दो? नहीं, उल्टा उनके हृदय में ये है कि एक बार कोई आकर हमसे पूछ ले कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, कैसे मैं इस मनुष्य जीवन को सार्थक करूं, और सबसे बड़ी टेंशन आज के माता पिता को होनी चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए। क्या यहाँ पे बैठे माता पिता के मन में ये टेंशन है? खुद सोच लो, हम आज की जो मेरी एज की पीढ़ी है, 30-32 साल वाली पीढ़ी है, वो अपनी माता पिता की कितनी सेवा कर पा रही है? तो उनके अंदर यही टेंशन आनी चाहिए कि अगले वाली पीढ़ी तो पता नहीं कितनी खतरनाक आएगी, वो तो पेट से ही शायद मोबाइल सीख के आएगी, वो स्मार्टफोन के साथ ही पैदा होगी, अल्ट्रासाउंड कराओगे ना तो नर्स कहेगी ये कह रहा है बाहर नहीं आऊंगा जब तक आईपैड आईफोन नहीं दोगे, ये हालत आने वाली है। ऐसी पीढ़ी को से हम कैसे समझ सकते हैं कि ये शायद हमारे को कभी एक गिलास पानी भी पिला देंगे? अगर बच्चों को नहीं अच्छे संस्कार दिए तो खतरनाक सिचुएशन है। हम किस देश के निवासी हैं? भारत। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूल जाओ इंडिया, हम किसके हैं? भारत के। क्यों? इस शब्द का अपना ही एक मधुर मीनिंग है। क्या? भारत। भा मतलब प्रकाश, जो कल प्रभु जी बोल रहे थे इनलाइटमेंट, गुरु। ये देश गुरु है पूरे विश्व का। कौन? गु से रूप में लेके जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की तरफ कौन लेके जा रहा है पूरे विश्व को? भारत। एग्जाम्पल, ये दो रशियन बैठे हैं, ये दो रशियन दीदियां बैठी हैं, खाली ये दो रशियन दीदियां नहीं है, लाखों करोड़ों विदेशी अब आते हैं भारत में इस भाव को लेने के लिए, इस प्रकाश को, इस ज्ञान को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके पास इतनी सुख समृद्धि है ना, हमारे में यहां से जितने बैठे हैं कितनों के पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज है? हाथ खड़ा करो।
और यही प्रश्न मैंने यूरोप में पहुंचा होता ना, बच्चा भी हाथ खड़ा कर देता कि मैं स्कूल जाता हूं बीएमडब्ल्यू में, मेरी अपनी है। मेरा फ्रेंड वहां से एमबीए कर रहा था, जाते ही ऑडी ए फोर खरीद के बैठ गया, कहता यार यहाँ तो बिल्कुल ऐसी मिल जाती है, मैं तो कॉलेज ही इससे जाता हूँ, जब जॉब लग जाएगी तो पता नहीं क्या खरीदूंगा। सोचो उनके पास इतना पैसा, इतना सब कुछ है, फिर भी इस भारत में आ रहे हैं, और हम भारतीय होके, और उसपे भी बड़ी बात, सनातन धर्म में आकर भी इस चीज को पहचान नहीं पा रहे। तो एक तरीके से सोने की खान में मेरा जन्म हुआ है और मैं भूखा मर रहा हूं। क्या हो रहा है? सोने की खान में मेरा जन्म हुआ है और मैं भूखा मर रहा हूं, भिखारी हूं, दरिद्र हूं, गरीब हूं। तो ये किसकी बेवकूफी है? सोने की खान की? सोने की खान की नहीं, मेरी। पर यहां पे देखो, सोने की खान कितनी दयालु है, भगवान इतने दयालु हैं कि ऐसे खजांचियों को हमारे बीच में भेज देते हैं कि लो, जबरदस्ती दे रहे हैं, और फिर भी मेरे जैसा मंद बुद्धि क्या करता है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दुख अच्छे लगने लग गए हैं, मुझे ये कष्ट अच्छे लगने लग गए हैं, होने तो मेरे बच्चों को बेकार का, कोई असंस्कारी होने दो, बदतमीजी करने दो, कोई बात नहीं, शराब बीड़ी जुआ चरस अफीम पता नहीं क्या क्या होते हैं, नशे दारू की बोतलें पता नहीं क्या क्या है, ये खाने पीने दो, मरने दो इनको। क्या ऐसी भावना है किसी माँ के हृदय में? नहीं ना, सब अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो। तो इसीलिए इस सनातन धर्म को अपनाओ, अच्छे से समझो ये सनातन धर्म क्या है, हमारे शास्त्र वेद इनका अध्ययन करो, पठन पाठन करो। यहाँ पे एक दीदी, उनको मैं पहचान गया, टीचर है, उनको खुद पता है कि स्कूल में हम क्या सिखा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट ही सिखा रहे हैं हम यहाँ पे। कहीं पे भी कोई भगवत शिक्षा या कुछ वैसी शिक्षा नहीं हो रही कि बेटा तेरा कल्याण कैसे होगा, कैसे तू जगत का कल्याण करेगा इस तरीके की। देखो ये भागवत की पढ़ाई पहले हमारे गुरुकुलों में होती थी, ये अंग्रेज लोग, ये मुगल लोग आए ना, इन्होंने सबसे पहले हमारे इतिहास को बर्बाद कर दिया, जान बूझ कर हमारी पाठ्यक्रम, हमारे कोर्स को, हमारी एजुकेशन को चेंज कर दिया ताकि ये आगे ना बढ़ पाए और ये गुलाम बन के रह जाए। वो भारत जो गुरु है पूरे विश्व का, या गुरु बनने योग्य है पूरे विश्व का, उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो इसीलिए गर्व से कहो हम क्या है, सनातन धर्मी है, भारतीय है, और शर्म मत करो हिंदी बोलने में, मातृभाषा है हिंदी बोलने में शर्म नहीं करेंगे। इंग्लिश जरूरी नहीं है कि आए बिना इंग्लिश के कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या इंग्लिश नहीं आएगी तो हमारा काम खराब हो जाएगा। इस भारत के संस्कार, इस सभ्यता को पकड़ो, आओ महाराज जी के पास आओ, पूछो कि कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरे बच्चों का कल्याण होगा। और जो पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसका विश्वास नहीं कि उनको क्या बनाएंगे, पर हम वहां पे कुछ पुस्तकें लेके बैठे हुए हैं। प्रोफेशनली मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, एमबीए करी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हुआ है, एमएनसी, पर फिर भी इन ग्रंथों को लेके हम चल रहे हैं महाराज जी की कृपा से, कि इन ग्रंथों को पढ़ के और बच्चों को पढ़ा के उनको संस्कारी बनाया जा सकता है। तो आज कृपया कुछ आके देखिए, जैसे आप शॉप पे जाते हो ना और पूछते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो साड़ी लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया अच्छी सी साड़ी दिखाना, वो दिखाने लगता है, ये क्या दिखा रहे हो, कि नहीं मैडम आपको देख के तो आपका बजट यही लग रहा है, पैसे की चिंता मत कर, तू दिखा अच्छी बढ़िया से बढ़िया, वो वाली निकाल मैडम ये 10,000 के, कोई बात नहीं पैसे की चिंता मत कर, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, 10-20 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, हम केवल प्रिंटिंग और लाने ले जाने का ले रहे हैं, पर इसके अंदर जो है वो वाकई में ही उन शास्त्रों का निचोड़ है। किसी पंडित ने ये ग्रंथ नहीं लिखे हैं कि केवल संस्कृत से हिंदी में कर दिया, नहीं, ऐसे ऐसे भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने भगवान को अनुभव किया, अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया है। पूरी दुनिया में हमारे गुरुदेव ने कईयों बार परिक्रमा कर दी है पूरे विश्व की, दुबई, मुसलमान कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, हर जगह जा जाके उन्होंने ये ग्रंथ दिए हैं, रात रात बैठ के 2-2, 3-3 बजे तक ये ग्रंथ लिखे हैं। किस लिए? कि मैं
तो चला भी जाऊंगा, पर उसके पीछे ये मेरी वाणी के रूप में ये ग्रंथ रह जाएंगे, जो हम सबको, इस भारतीयों को, इन सनातन धर्मियों को ये संस्कार देते रहेंगे। और आज बस एक चीज बोलूंगा, और आज एक ग्रंथ है श्री कृष्ण लीला अमृत, उसमें भगवान के जन्म के कारण बताए गए हैं और भगवान के जन्म लीला बताई गई है। जब ये ग्रंथ है, प्रभु जी वो पीछे बैठे हैं, आप लोग जाते समय ये कोई आपको पैसा नहीं मांग रही, इतना पैसा दो, आपकी जो इच्छा देना, और जरूर एक एक ग्रंथ ले जाना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भगवान कृष्ण कौन है, जगत में आए वो तो अजन्मा है, लेकिन वो अजन्मा होते हुए भी पर जन्म क्यों लिए जगत, इसका क्या रहस्य है भगवान का। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी, उन्होंने इसको अच्छी अच्छी कारण वेद पुराणों से ढूंढ करके दिया है, कि प्रभु जी पीछे बैठेंगे, इसके लिए कोई पैसा नहीं मांग रही, आपकी जो इच्छा होगा वो देना, और एक एक ग्रंथ जरूर ले जाना, आप भी पढ़े और बच्चों को भी पढ़ाए, बच्चे संस्कारी बने, बच्चे संस्कारी बने, ठीक है ना। इसलिए अगर हमारी बच्चे को पूछा जाए, बताओ तो हमारी मूल ग्रंथ गीता कोई एक श्लोक बोलो, आप कोई बोल पाओगे यहाँ पर, लेकिन पूछो कौन हीरो का क्या नाम, कौन हीरोइन का क्या नाम, देखना सारे हीरो हीरोइन प्लेयर सबका नाम याद होगा, लेकिन हमारे जो मूल ग्रंथ है तो उसकी कुछ याद नहीं होगी। इसलिए अगर ये ग्रंथ आप ले जाओगे, ठीक है, जरूर एक एक ग्रंथ ले जाना, प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, जो कुछ इच्छा, जो इच्छा होगा वही देना और ले जाना, कि प्रभु जी कोई पैसा नहीं मांगेगा, आपको जो इच्छा दे करके ले जाना। ये ग्रंथ क्या है, एक प्रसाद का रूप है, जैसे हम सबने यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, प्रसाद ला रहे हैं, बांट रहे हैं, ये प्रसाद हम पाएंगे, कुछ एक्सपायरी भी होगी इसकी खा के सुबह जो भी, पर प्रसाद अंदर से हमें क्लीन भी करता है, सफाई भी करता है, पर ये ग्रंथ भी एक प्रसाद है हमारे गुरुदेव के हृदय। ये प्रसाद ऐसा है कि एक खाएगा दूसरा खाएगा, एक ही प्रसाद कई लोग खा जाएंगे, फिर भी ये प्रसाद क्या रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा और आपकी सफाई करता रहेगा। आज के इस ग्रंथ प्रसाद की सेवा यहाँ पे कुछ भक्तों ने मिलकर करी है, उन्होंने हमारे पास 350 कॉपियां हैं इस ग्रंथ की, उन्होंने इस ग्रंथ को आपके लिए, उन्होंने उसके इसके लिए कुछ थोड़ा सा योगदान हमारे पास पहले से ही कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये ग्रंथ सबको मिलना चाहिए, ये प्रसाद हमारी तरफ से है, पर फिर भी आप इस ग्रंथ को ऐसे मत लो, कोई भी जो मन में आपके आए, सेवा देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, पर ये ग्रंथ जरूर लेके जाओ और इसको जरूर पढ़ो, हमारी बस आपसे यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, अभी कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, कहते श्री एक समय श्री कंस अपना बहिनी श्री देवकी को वसुदेव को साथ में बड़ी धूमधाम से उसने शादी करवाया और स्वयं उनको विदाई दे रहा था, इतने में बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देववाणी कभी ये झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने अपना बयान से तलवार को निकाले और निकाल करके देवकी को चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव ने साम दाम दंड और भेद रीति से समझाने के लिए कोशिश की, बोले कंस ये बताओ एक दिन तुम मरोगे कि नहीं, बोले हाँ मरूंगा, बोले जब एक दिन तुम मरोगे फिर अपना बहन को मार कर क्यों मरोगे, ये दुनिया तुम्हारी बड़ी बदनामी करेगी, बोले मरूंगा जब मरूंगा अभी क्यों मरू, बोले ये देखो मरता कौन है, ये शरीर एक कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा पुरानी होने पर हम उसको छोड़ करके के नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है ये न जायते न मृियते अजो नित्य, ये शाश्वत, ये आत्मा है, आत्मा कभी चलती नहीं,
कभी उसको काट नहीं सकते हो। ये कभी नहीं, शाश्वत लिप्त आत्मा है। लेकिन तो हम सब तभी सुनना नहीं चाह रहा था। इतने में वसुदेव ने कहा, देखो तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवो की जितने बच्चे होंगे सारे बच्चे तेरे को हवाल करूंगा। लेकिन तुम देवो की तो मत मारा करो। अभी ठाकुर जी का जो माया है, उसने पहला बेटे को उसने ला कर तुमने दे दिया कंस को। कंस का हृदय तो पानी पानी हो गया। बोले अपना बेटे को काल को हाथों में प्रसन्न हो गया। बोले देव तेरे ऊपर में प्रसन्न हूँ, तू ये बेटे को ले जा, ये बेटा मेरा क्या करेगा। अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले भगवान कब आएंगे, जब बाप की खड़ा भरेगी तभी ठाकुर जी आते हैं। लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भाव उमड़ने लग गया। इतने में श्री नारद जी बिना बजात बजाते आ गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बल पानी समझना बड़ा कठिन है। तुमने तो इधर से एक दो तीन चार कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो तीन चार कर तो
लिखना जिसको पहला करते वो आठवां हो जाएगा, पर जो आठवां पहले पहला हो जाएगा। जब ये बच्चे धीरे 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 बड़े होएंगे, सब मिल करके तेरे को मारेंगे, बोले गुरु जी फिर क्या करे, सबको मार दो। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा काम जानता, इसलिए उनको उनको भड़का दिए और नारद जी तो वहां से चल पड़े। इतने में कंस ने एक एक करके उनको छह बच्चों को जन्म मरवा दिया। बोले भैया संतो हो करके ये गलती काम क्यों की, बोले इनकी पूर्व जन्म की बात इनको बता। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की मानस पुत्र थे। एक दिन ब्रह्मा एक सुंदर लड़की को जन्म दी, वो सचमुच से इतने सुंदर थी ब्रह्मा अपना बेटी में आ सकती है। इन लोगों ने हंसे, बोले देखो ये बूढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। बोले भैया मेरे को देख कर हंसी उड़ाए, जाओ अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म में मर करके मुक्ति मिलेगी। अभी पूर्व जन्म में ये काल जन्म काल जवन था उसकी बेटे बन करके आए, वही काल जवन अभी कंस बन करके आए। अभी तीसरे जन्म में जब अपना पिताजी को हाथ में मरेंगे उनके मुक्ति दिलवाए मरवाए नहीं। और दूसरा कारण है, अगर भगवान को कोई हृदय में बैठना चाहते हैं, पहले छह शत्रु सबसे बड़े बड़े काम क्रोध लोभ मोह माद और मात्सर्य, ये जीवन में ये सबसे बड़े शत्रु हमारी ये हृदय में बैठे हैं। इसलिए पहले छह शत्रु को पहले मारो। इसलिए सप्तम गर्भ में स्वयं बलदेव प्रभु है। मतलब बलदेव प्रभु कौन है, ये धाम स्वरूप है, ये स्वयं अनंत धाम स्वरूप जो भगवान को अपना हृदय में धारण करते हैं। ये प्रभु की दस शरीर पंच रसों से सेवा करते हैं, हृदय में धारण करने वाले बलदेव प्रभु। और श्री अष्टम गर्भ में बोले भगवान कृष्ण के लिए आए, बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की। हाँ देखो एक बात को अच्छे तरह से समझो, भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। जो बोल देगा ना मैं उसको इनाम दूंगा कल, जो मेरे को सुना देगा भगवान ये अष्टम गर्भ में ठाकुर जी क्यों आए। ध्यान देकर सुना, कल भक्ति की आठ स्टेजेस है, सीढ़ियां हैं। भक्ति का पहला सीढ़ी किया बोले श्रद्धा। जैसे श्रद्धा है हमारी अंदर में तभी हम यहाँ आकर के बैठे, अगर श्रद्धा नहीं होता हम आते। इसलिए भक्ति का सबसे मूल श्रद्धा। दूसरे जो भक्ति साधु संग, जिसको भगवान ने राम सबरी को भी यही ज्ञान दिया, प्रथम भक्ति संत न करी संगा, दूसरी भक्ति तब तथा प्रसंग। तो दूसरी भक्ति श्रद्धा है बैठे, फिर दूसरे में कथा सुन रहे, ज्ञान की बात सुन रहे। बोले तीसरी भक्ति क्या है, जब हम कथा सुन करके ज्ञान मिलेगा, भैया ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर दिया, ये बारंबार ठाकुर जी मानव शरीर नहीं देंगे, और इसी जीवन में ही भक्ति करके हम ठाकुर तक पहुंच सकते हैं। जब ये ज्ञान होगा फिर हम क्या करेंगे, फिर प्रभु का भजन करना शुरू करेंगे। इसलिए जो चौथी भक्ति है कहते भजन क्रिया, फिर ठाकुर जी की भजन करना शुरू कर देते हैं। बोले पंचम भक्ति किया, बोले रुचि। बोले रुचि मतलब क्या है, जैसे अभी बोलो भैया कम से कम सवेरे उठ करके थोड़ा हरिनाम तो करो, थोड़ा भगवान की माला तो जप करो, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन कोई उल्टा पुल्टा सीरियल आ जाए ना तीन तीन घंटा उसको बैठ बैठ करके देखते रहे, उल्टा पुल्टा की झूठ मूठ का सिनेमा किया है, एक झूठ मूठ का चीज तो रूपों के दे दिया, अगर उसको तो बैठ बैठ करके आप फाड़ फाड़ कर देखिए तीन तीन घंटा। बोलेंगे भैया 10 मिनट लगेगा एक माला जप करो जो काम में आने वाला, नहीं करेंगे उसका हम नहीं करेंगे। बोले क्यों, बोले हमारी पूर्व जन्म का पाप है, ये पूर्व जन्म की पाप, तब इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अभी ध्यान देकर सुना, बहुत अच्छी बात बताते हैं। जैसे मिश्री है, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए हो, आप बताओ मिश्री मीठा ना कड़ू है, मीठा है ना, लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़ुआ भी लगता है, बता सकते हो किसको कड़ुआ लगेगा, जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, पीलिया की बीमारी हो जाए ना, देखना मिश्री मीठा उसको मीठा नहीं लगेगा, उसको कड़ुआ लगेगा। पहले पहले नियम होता था, इतना कोई दवा भवा नहीं होता था, डॉक्टर कहते थे देखो
तुम जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए तो मिश्री चूसा करना, लेकिन तेरे को मिश्री मीठा नहीं लगेगी। बोले क्यों? तेरे को जंडिस कर पीलिया की बीमारी है, लेकिन मीठा नहीं लगने पर चूसना। चूसते चूसते धीरे 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 तुम्हारी धीरे धीरे ये बीमारी जाती रहेगी, धीरे धीरे ये बीमारी जाती रहेगी। जितना तुम्हारी बीमारी जाती रहेगी मिश्री उतना मीठा लगने लग जाएगी। और जब मिश्री तुम्हें मीठा लगने लग जाए ना, समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गई, तेरी बीमारी सही हो गई। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान का नाम मीठा, इतने मीठा दुनिया में और कुछ नहीं। हनुमान जी को देखो क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। शंकर जी को देखो पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। गणेश जी को देखो प्रभु का नाम जप करते हैं, क्यों? उनकी हृदय में कोई काम क्रोध नहीं, सारे अनर्थ दूर हो गए। इसलिए जब हरि नाम हम करेंगे, इच्छा नहीं तभी बैठो, जोर जबरदस्ती करके बैठो, बैठ करके एक माला जप करो, भगवान की एक माला जप करो। देखना जितने ठाकुर का नाम जप करोगे ना, उतना पाप तुम्हारी खत्म होती जाएगी। जितने पाप खत्म होती जाएगी उतना प्रभु का नाम टेस्ट लगने लग जाएगी। फिर तो इतना मीठा, इतने मीठे लगेगा, पर ठाकुर का नाम नहीं छूटेगा। दुनिया छूट जाए लेकिन ठाकुर का नाम तुम्हारी नहीं छूटेगी। इसलिए कहते जो पंचमा जो भक्ति है ना, रुचि, रुचि मतलब होता है प्रभु का भक्ति भजन बड़ा प्यारा लगता है। और जो छठवा भक्ति बोले निष्ठा, बोले निष्ठा मतलब क्या है, पहले भक्ति ना इतने पक्की बन जाओगे, इतने पक्की भक्ति में बन जाओगे। जैसे मीरा, मीरा का नाम सुने होंगे, जब मीरा ने भजन की उसका देवर जेठ पति नानंद सब पीछे पड़ गए। बोले क्या राज रानी होकर के संतों के बीच में बैठते हो और हरे कृष्ण नाम लेकर नाचती रहती हो? अरे तुम राजरानी साधारणी घर की थोड़ी बहू है, तो राजरानी होकर क्या संतों के बीच में नाचती हो, कीर्तन करती हो? लेकिन सारा दुनिया विरोध हो गई, लेकिन प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ी, ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए कभी भी प्रभु की भजन नहीं छोड़नी चाहिए, उसको निष्ठा कहते हैं। फिर जो सप्तम स्टेज है आसक्ति, भाव है। जब भाव दशा हृदय में आए फिर भगवान की कभी कभी मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छमछम आवाज मिलेगी सुनने को, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और मेरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनको रोंगटे खड़ी हो जाएगी। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और मेरे को अधरा भर के पिला करके चले गए, अपना होठ को चटना शुरू कर देगा। कभी कभी ठाकुर उसको सामने प्रकट हो जाएगा तो चकाचौंध हो जाएगा, आप ठाकुर की इतने प्रकाश है। ये सप्तम स्टेज, और अष्टम स्टेज में साक्षात कृष्ण दर्शन, साक्षात भगवान की दर्शन सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कृष्ण अष्टम स्टेज में, इसलिए ठाकुर जी आठवां स्टेज में ठाकुर जी आए। अभी भगवान जन्म लेने वाले हैं, देवकी देवी जब गर्भवती थी 33 करोड़ देवता आकर के ठाकुर को स्तुति स्तंभ कर रहे थे। अभी भगवान जन्म लेने वाले, जब ठाकुर जी जन्म लेते हैं ना, अगर यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए कितने स्वागत होगा। अभी दुनिया की मालिक अभी आ रही है, इतने में ये वृंदावन धाम एक दुल्हन जैसे सज गई वृंदावन धाम। बोले क्यों? भगवान नंगे पैर में वृंदावन में लीला करेंगे, और कुंज में सुंदर सुंदर फल फूल से वृंदावन धाम सज गया। बोले क्यों? ठाकुर जी कुंज में लीला करेंगे। बोले श्री यमुना पटरानी, ये जमुनत्र से कलकल नाद करते हुए यमुना पटरानी बह रही थी। बोले श्री यमुना महारानी की। बोले क्यों? बोले भगवान यमुना में जल विहार करेंगे, मेरे को अपना पटरानी बनवाएंगे। और जितने नदियां थी वो भी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले यमुना सबसे बड़ी बहनी है, और जो दूसरे दूसरे नदी है ना उनकी छोटी छोटी बहनी है। बोले कृष्ण जब यमुना में शादी करेंगे हम उनकी साली बन जाएगी। देखना दामाद कभी कभी अपना पत्नी से भी ज्यादा साली को प्रेम कभी कभी करने लग जाते हैं। इसलिए कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे, इसलिए दूसरे दूसरे नदी भी प्रसन्न हो रही थी। और कमल फूल खिलता है दिन में, अभी ये कमल फूल खिल गया रात में, फूल में खिल गया। अभी सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था, भगवान प्रकट होने वाले। इतने में भगवान कृष्ण
कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम पुत्र रूप में प्रार्थना किए थे, आप तो 16 साल के बूढ़े केश चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। भगवान ने कहा तुमको पूर्व जन्म की बात याद कराने के लिए आया हूँ, अभी मैं बालक बन जाऊंगा, हमें गोकुल में रख करके वहां से बेटी ले आना। बोले कैसे जाऊँ, हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, बड़े बड़े तालाब पहरेदार। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर को ऊपर उठा लो, अपने आप सही हो जाएगा। इतने में हथकड़ी बड़ी खुल गई, दरवाजा खोल गया। अभी भगवान को लेकर के श्री वसुदेव महाराज जा रहे हैं और देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। और इतने में श्री यमुना नदी आ गई, यमुना चाह रही भैया ठाकुर जी को थोड़ा चरण स्पर्श करे, यमुना पानी भी उफनने लग गया और भगवान पीछे से चरण बढ़ा दिए। उन्होंने श्री यमुना पटरानी स्पर्श करके नीचे हो गई। फिर सामने एक सियार चल रहा था, बोले इतने से पानी। फिर उन्होंने यमुना नदी को पार कर लिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। ले आओ भैया देवक वस्त्र को, ले आओ देवक के वस्त्र को ले आओ। देखो अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, सारे देवता लोग ठाकुर का स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागत कृष्ण
जो फड़ेगा उसको पकड़ो बोले कल लाग रहे लगा चाचा रुको कोई फटना नहीं हुआ अभी चार दिन उत्सव हरे कृष्णा हाँ देखो अरे वहाँ पर ट्रफी फफी होगा ना इधर ले आ वहाँ पर जो ट्रफी ऊपर ले आ आई देखो बैठा भाई इन बच्चे आ रहे हैं बैठा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की जय जय देखो आज के दिन जो नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नजर नहीं पड़ता इसलिए सभी लोग नृत्य करके बधाई देंगे कन्हैया को हो सखी चलो नंद के द्वार हाकार लाला के दर्पण कन्हैया सखी चलो आज जागो
तीन दिन से महाराज जी आपको नाचने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, करा रहे थे कि नहीं, लेकिन आज चुपचाप खड़े हैं। आज ही तो नाचने का दिन है, सबको नाचना है, सभी लोग नाचेंगे। किसी समय में चोरी चोर को सुजोग मिलता है, जिसकी गले में चैन ही दोष नहीं देना, तभी कथा में और चैन चली गई। एक एक माता जी किसकी लाश चली गई, लाश चली गई मोटरसाइकिल के साथ। देखो कौन कौन माता जी थे, कौन भागवत कथा में एक चीज का दो घर में लटक रहेगी, अगर कथा में कोई चीज दिया तो ठाकुर जी हजार हाथों से कुछ ले जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया सखी चरण नंद के द्वार तो द्वार Thank you.
देखो अब मैं बोलूंगा नंद घर आनंद भयो, तो आप क्या बोलेंगे? देख जोर से, हाँ जोर से बोलना है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, ये हाथी की ये घोड़ा की ये हाथी की ये घोड़ा की ये नंद घर आनंद भयो, हरि बोल। आज कुछ भक्त लोगों ने प्रसाद दिया है। हरे कृष्ण। अभी अभी मत दो, अरे मत दो, अरे चाचा अभी मत दो, डिस्ट्रीब्यूशन मत करो। डैडी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डैडी चाचा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। हेलो, हरे कृष्ण। आज का जो प्रसाद वितरण हुआ है वो विजय पुस्तक भंडार एटा, गणेश वाष्णे पटाखे वाले एटा, सुनील वाष्णे पत्नी अनीता वाष्णे, सुनील पुस्तक भंडार एटा, अतुल गुप्ता एटा, ओब्रॉयस परिवार इंद्रपुरी एटा। आप लोग इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। और ठाकुर जी आज भगवान का जन्म किए हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी के आशीर्वाद में घर में की शांति सिद्ध हो, क्योंकि आज भगवान की जन्म तिथि में उन्होंने सभी भक्तों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। हाँ देखो ये केक, आज भगवान जन्म हुए ना, एक केक को काटना है। हाँ श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय जय से कह गए। क्या नाम बोलो? क्या नाम बोलो?
बर्मन जी, इंद्रपुरी बर्मन जी, आज भगवान की जन्म उत्सव में केक दिया ठाकुर जी, उनको पर आशीर्वाद, उनको पर कृपा करें। ठीक है, सबके सब प्रसाद लेकर के जाना। अभी इसको एक एक बोरी कल्चर ले राधा रानी जन्म के लिए, और इसके तीन इसको रख लो, और इसको सबके सब लुटा दो, जोर जोर से खिचड़ी के पहले।
कल बैठ नहीं सकते, बारिश हो रही है, गद्दे को उठा लो सबके साथ, भैया लोग से